तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर आपका वहीं पीछे से स्टार्ट होगा जहां से हमने प्लस वन में लिमिट्स को छोड़ा था। तो लिमिट्स को अगर आप रीकैप करोगे तो लिमिट्स आपको याद है कि क्या थी, कि कोई भी मेरा एक फंक्शन था उसकी जब मुझे लिमिट निकालनी होती थी तो जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा होता था तो मुझे सपोज़ यहाँ पर एक लिमिट निकालनी है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो मैं क्या करता था, मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच करता था कि लेफ्ट हैंड से मेरी एफ एक्स की वैल्यू क्या जा रही है, और मैं राइट हैंड से अप्रोच करता था कि मेरी वैल्यू क्या जा रही है। अगर वो दोनों मिल जाती थी वैल्यू तो मेरी लिमिट वही होती थी। यानी कि मैं क्या करता था कि एफ एक्स की लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव से लेता था, राइट, और वही मैं राइट हैंड की लिमिट लेता था एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव की, ठीक है, और एफ एक्स की। और अगर ये दोनों बराबर हो जाती थी तो वही मेरी लिमिट हो जाती थी एफ एक्स की, ठीक है। तो लिमिट के जो और सारे रूल्स हैं वो बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन बेसिक ये वाला कंसेप्ट था। इसमें एक और जो खास चीज़ थी वो क्या थी कि सपोज़ ये फंक्शन इस ए पे डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, वैल्यू जो है वो कुछ यहाँ पे है, ठीक है, तब भी इस केस में लिमिट यही रहती थी, राइट, इस केस में लिमिट यही रहती थी क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से मैं उसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा हूँ। सपोज़ मैं फोर को अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरी लिमिट जो है फोर रहेगी, भले ही एक्स ए पे वैल्यू जो मेरी टू आ रही है, राइट, लेकिन मेरी लिमिट क्या रहेगी, फोर रहेगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट से वही अप्रोच कर रही है। तो ये तो मेरा लिमिट्स का बेसिक फंडा था। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कंटिन्यूटी। अब लिमिट्स के बाद जो टॉपिक आता है दैट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी अगर मैं आपको बेसिक सी चीज़ बोलूँ भाई कंटिन्यूटी क्या होती है, तो आप बोलोगे कोई भी कंटिन्यूस चीज़, लगातार चीज़ जो होती है ना। तो आपको अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में समझाऊँ तो जो बिना पेन उठाए चीज़ बन रही है ग्राफ, दैट इज कॉन्टिन्यूस। अगर मेरा पेन उठ गया तो इट विल नॉट बी कॉन्टिन्यूस। जैसे मैं ये इसको ऐसे करूँ यहाँ तक और फिर मेरे को पेन उठा के यहाँ से बनाना है तो ये मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ में तो इतना ईजी है। अब इसको एल्जेब्रिकली कैसे हम समझते हैं, इसको एल्जेब्रिकली देखो, एक फंक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसने एक फंक्शन लिया है, पीस वाइज फंक्शन है ये, राइट। इस फंक्शन में क्या बोलता है कि एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू वन है। कब वन है एफ एक्स की वैल्यू, जब एक्स जो है ज़ीरो है या ज़ीरो से छोटा है, और टू है जब वो ज़ीरो से बड़ा है। तो एक्स जब ज़ीरो से बड़ा है तो उसकी वैल्यू ये टू आ गई, राइट, और एक्स जब ज़ीरो से छोटा है तो उसकी वैल्यू वाई की वैल्यू वन आ गई। एफ एक्स वाई होता ना, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी, वन आ गई। अब लेकिन देखो ज़ीरो पे वैल्यू क्या है, जो मेरा मेन पॉइंट है वो है ज़ीरो। ज़ीरो पे वैल्यू क्या है, ज़ीरो पे वैल्यू है जी वन। ये वाला शेडेड नहीं है, ये ओपन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो पे वैल्यू वन, लेकिन आप देख पा रहे हो कि मेरा इसमें पेंसिल उठानी पड़ेगी मुझे, बिना पेंसिल उठाए तो मैं बना नहीं सकता इस ग्राफ का। तो ये ग्राफ से तो मुझे समझ आ रहा है कि कंटिन्यूटी नहीं है, और मुझे ये भी समझ आ रहा है कि ज़ीरो पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी में तो सेम पेंसिल बन रही है। तो इसको हम एल्जेब्रिकली कैसे पुश करते हैं, इसको एल्जेब्रिकली हम लिखते हैं कि अब आप ज़ीरो को कंसिडर करो। ज़ीरो की अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ तो क्या है, ज़ीरो की अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ तो क्या है, तो मैं निकालूंगा एफ एक्स की लिमिट ज़ीरो नेगेटिव पे। एफ एक्स की लिमिट जब मैं निकाल रहा हूँ तो क्या आ रही है, सॉल्व होके वन आ रही है, और जब मेरी ज़ीरो पॉजिटिव पे निकाल रहा हूँ तो मेरी लिमिट क्या आ रही है, राइट हैंड साइड पे टू आ रही है मेरी लिमिट, ठीक है। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, पहली चीज़ तो यहीं से समझ आ गई। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो कंटिन्यूटी तो क्या एग्जिस्ट करेगी। तो फिलहाल हमने यहाँ पे ये सीखा। और अगर कंटिन्यूटी में हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एडिशनल तीसरी चीज़ निकालते हैं, और वो क्या निकालते हैं, वो लिमिट नहीं निकालते, लिमिट तो आपकी निकल गई, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही इस केस में। तो अदरवाइज हम तीसरी चीज़ क्या निकालते हैं, हम उस फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं जिस पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं। तो हम f0 क्या है, वन है। अब ये तीनों मैच करने चाहिए तब कंटिन्यूस होता है फंक्शन। अगर तीनों की वैल्यू मैच नहीं कर रही, जैसे इस केस में नहीं कर रही, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जाके ब्रेक कर रहा है, ज़ीरो पे जाके ब्रेक कर रहा है, क्योंकि
टू आ रही है। तो एल्जेब्रिकली हमें ये तीनों की चीज़, दोनों लिमिट हमारी सेम होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे भी, ये एडिशनल चीज़ है कंटिन्यूटी के लिए। लिमिट में ऊपर वाली दो चीज़ें अलाउड थी, अब एक तीसरी चीज़ ऐड करेंगे हम कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी वही होनी चाहिए, तब जाके वो कंटिन्यूस होगा। तो हम देख सकते हैं इस केस में कंटिन्यूस नहीं है, जीरो पर। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगला देखो, एक फंक्शन को ये इसने लिया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि एफ एक्स मेरा ये फंक्शन है, एफ एक्स की वैल्यू वन है जब वो जीरो नहीं है, ठीक है, और जब वो जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू टू है। तो जीरो पे तो मैं टू बना ली मैंने फंक्शन की वैल्यू, दिस इज माई फंक्शन की वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसके अलावा हर कहीं वो वन है, तो ये मेरे को वन की लाइन दिखी है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऐसे बना लूंगा, राइट, क्योंकि वन है मेरी वाई की वैल्यू जीरो के अलावा। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे, इसमें लिमिट्स और कंटिन्यूटी का आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। देखो पहले मैं आपको लिमिट बताता हूँ। लिमिट में देखो, अगर मैं इस फंक्शन की लिमिट निकाल रहा हूँ तो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, जीरो पे निकालूंगा मैं, ठीक है, कि जीरो पे ही पॉइंट है जिस पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है। तो लिमिट एफ एक्स की निकाल रहे हैं हम जीरो नेगेटिव पे, ठीक है, एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड पे क्या लिमिट है हमें दिख रहा है, बड़े आराम से वन ही है, ठीक है, और राइट हैंड पे भी क्या है लिमिट, एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव पे, इस पे भी देखो वन है क्योंकि जीरो के अलावा तो वन ही है वैल्यू। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि मेरी जीरो पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, तो जैसे ही मैं तीसरी चीज निकालता हूँ दैट इज एफ जीरो, तो एफ जीरो क्या है, एफ जीरो आप देख पा रहे हो यहाँ से एफ जीरो वन है, ठीक है ना, सॉरी जीरो के अलावा वन है, एफ जीरो इज टू है क्योंकि जीरो के अलावा इट इज ऑलवेज वन, जीरो पे टू है तो एफ जीरो इज टू। अब देखो, अब लिमिट अगर होती, अगर मैं इस फंक्शन की लिमिट आपसे मांगता हूं तो लिमिट क्या आ रही है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरी बराबर आ रही है, सो द लिमिट इज वन। फंक्शन की लिमिट क्या हुई, लिमिट ऑफ फंक्शन इज वन, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ एक्स की क्या हो गई, वन हो गई। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तब आप कहोगे नहीं ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर तो है, राइट लेफ्ट तो पता चल रहा है मुझे, लेकिन मुझे उस पॉइंट पे पता नहीं चल रहा है। तो उस पॉइंट पे पता करने के लिए मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली जीरो के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर, तो फंक्शन की वैल्यू तो टू है, अब टू वन के बराबर नहीं है, बात समझ आ रही है आपको। तो ये जो है मेरी, दिस इज नॉट इक्वल टू, ये जो एफ जीरो टू है दिस इज नॉट इक्वल टू लिमिट, इट इज नॉट इक्वल टू लिमिट, है ना, तो इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं है। मेरा यहाँ पेन उठ रहा है, आप देख रहे हो उठ रहा है मेरा पेन, आप यहाँ से लेफ्ट से चले जी, आपने ये बना दिया वन, अब उठ के आपका, क्योंकि आप तो यहाँ पे जीरो पे तो है नहीं वन, ये उठ के ऊपर जा रहा है, तो बस टूट की कंटिन्यूटी और फिर वापस आ रहा है। तो इसका मतलब लिमिट और उसमें डिफरेंस क्या है कि लिमिट अगर राइट लेफ्ट बराबर हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट होती है, चाहे फंक्शन की वैल्यू कहीं भी जा रही हो उस पॉइंट पे, लिमिट वही होती है। जैसे इस में हो रहा है फंक्शन जीरो पे क्या जा रही है वैल्यू फंक्शन की, टू, लेकिन लिमिट वन है। लेकिन कंटिन्यूटी में क्या होता है कि ये नॉन कंटिन्यूस फंक्शन है जीरो पे, क्यों, क्योंकि मेरी जो एफ जीरो है जीरो पे टू जा रही है, तो मेरी तीनों बराबर होनी चाहिए तब जाके फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूस, ठीक है जी, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बट लिमिट एग्जिस्ट, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड दैट इज वन, ठीक है, एंड दैट इज वन। समझ आ गया जी सबको? देखो अब आपको डेफिनेशन बड़े अच्छे से समझ आएगी। डेफिनेशन क्या बोल रही है, सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन, एफ एक रियल फंक्शन है, ठीक है जी, ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है जी, और वो रियल नंबर्स का ही सबसेट भी है। लेट सी बी अ पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ,
तो सी जो है एक पॉइंट है एफ की ही डोमेन में, मतलब वहां पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड है बेसिकली, उसका ये मतलब है। डोमेन में अगर मेरा पॉइंट होगा तो डिफाइंड होगा फंक्शन उसके लिए, ठीक है। एंड एफ इज कंटिन्यूअस एट सी, एफ देन, वो क्या बोल रहा है, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी इफ लिमिट जो सी पे है वो किसके बराबर होगी, एफ सी के बराबर होगी, ठीक है। एफ सी क्या है, सी पे उस फंक्शन की वैल्यू, और लिमिट भी हम सी पे ही निकालेंगे। तो बेसिकली अगर लिमिट मेरी उस फंक्शन की वैल्यू सी पे इसके बराबर आ जाएगी तभी वो कंटिन्यूअस होगा। और इसको और डिटेल में अगर आप खोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम, कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो मेरी राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वही मेरा एफ सी के बराबर होगा, यानी उस फंक्शन की वैल्यू एट सी होगा। ये मेन कंसेप्ट है सिर्फ इतना सा, ठीक है जी। अब इसमें क्या बोल रहा है आगे देखो, या नीचे भी देख सकते हैं कुछ उसने लिखा हुआ है। अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू सी। सीधी सी बात आ गई ना, जब एफ सी कब निकाल पाओगे आप, जब डिफाइंड होगा सी पे फंक्शन। एंड इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी इक्वल्स द लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो लिमिट ऑफ फंक्शन के इक्वल हो गई है, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। इफ एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट सी, अब बोल रहा है अगर एफ कंटिन्यूस नहीं है सी पे, वी से एफ इज डिसकंटिन्यूस, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस। तो या तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा एट सी, और अगर वो डिसकंटिन्यूस हुआ सी पे तो हम सी को बोलेंगे सी इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है जी। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था कि वो जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूस था फंक्शन, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट जीरो, डिसकंटिन्यूअस एट जीरो, और हम क्या बोल सकते हैं, जीरो इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, ठीक है जी। तो वोकैबलरी है कि एफ जो है डिसकंटिन्यूअस है या जीरो इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्लियर है सबको। तो अब एग्जाम्पल आ गया, देखते हैं हमने क्या सीखा है उसको अप्लाई करते हैं हम। अब एग्जाम्पल वन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब लिमिट निकालनी है, अब आपको पता है, रिकॉल करते हैं पॉलिनोमियल के केस में लिमिट क्या होती है, पॉलिनोमियल के केस में लिमिट डायरेक्ट एफ पे ही होती है, वही पॉइंट डाल देते हैं हम डायरेक्ट। तो इसमें लिमिट क्या होने वाली है, डायरेक्ट एफ वन होने वाली है, और इस केस में फंक्शन की वैल्यू भी डायरेक्ट एफ वन होने वाली है, तो दोनों सेम आने ही वाले हैं हर हालत में। तो पॉलिनोमियल के केस में इट इज़ वेरी इजी। तो पॉलिनोमियल केस में देखो उसने क्या किया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ एक्स, चुपचाप 1 डाल दिया उसने 2x+3 में, और वो 5 आ गया, ठीक है जी। तो लिमिट 1 क्या है, 5 है, और यही एफ वन है, आपको भी पता है एफ वन डायरेक्ट डालोगे तो भी 5 आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल केस में वैसे भी 1 डालना होता है। तो आप कैसे लिखेंगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू एफ वन। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी डेफिनेशन के हिसाब से, कि एफ वन पे भी वही है और लिमिट भी वही है, तो हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब सीधा सा क्या निकल के आ रहा है, आप दिमाग में एक बात डाल लो कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, सीधी सी बात, पॉलिनोमियल्स अनलेस कोई बहुत उसमें कंडीशंस नहीं लगाई हुई, अगर सिंपल पॉलिनोमियल है इट विल बी मोस्टली कॉन्टिन्यूस। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि लिमिट भी उसकी एफ ए होने वाली है और उसकी वैल्यू भी फंक्शन की ए पे एफ ए ही होने वाली है, तो दोनों हमेशा बराबर रहेंगी। समझ आ गया सबको। एग्जाम्पल टू, एग्जामिन वेदर द फंक्शन, इस पे थे हम। तो अब इसको क्या बोलेंगे कि लिमिट जब मैं निकाल रहा था इसकी एक्स टेंड्स टू जीरो पे, तो एक्स स्क्वायर की जीरो आ रही है और साथ ही मेरा एफ जीरो भी जीरो आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूस है क्योंकि दोनों लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो गई, तो यानी कॉन्टिन्यूस है बिल्कुल। अब आप इसका ग्राफ सोचोगे अगर, तो ग्राफ भी आपको पता है एक्स स्क्वायर का ऐसे होता है ओरिजिन से पास करता हुआ, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो है, राइट हैंड लिमिट भी जीरो है, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे भी जीरो है, तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस, पेन उठाए बिना बन रहा ग्राफ। तो आप इसको कई तरीके से समझ सकते हैं, ग्राफ की फोटो आपके दिमाग में रहेगी तो भी आप बड़े आराम से फंक्शन को कर सकते हैं।
ठीक है जी। अब देखो इसने कैसे लिखा नीचे, जैसे पेपर में लिखना कैसे है कि लिमिट निकाली एफ जीरो पे, वही चीज़ लिखी है, जीरो आ गई, और उसके बाद उसने एफ जीरो निकाली है, वो भी जीरो ही है, तो दोनों बराबर हो गए। तो दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एग्जाम्पल थ्री क्या बोल रही है, इट इज सेइंग डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। चलो अब एक लेवल अप करते हैं, हम अपना मॉड एक्स को देखते हैं। जब भी मेरी कोई चीज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो पहले तो अपने आप को, ब्रेन को कंफर्ट करो, सीधा सीधा ग्राफ जो मॉड एक्स का है वो कैसा होता, ऐसा होता, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, कंटिन्यूस है, बिना पहले उठाए बन रही है, बिल्कुल बन रही है, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो होने वाली है, राइट हैंड लिमिट भी जीरो होने वाली है, और जीरो पे फंक्शन की वैल्यू भी जीरो ही है। तो ये तो मेरे को एकदम दिमाग में आ गया। अब इसको नंबर कैसे लेने, लिखना कैसे प्रॉपरली एल्जेब्रिकली, वो देखते हैं। तो मॉड वाले फंक्शन को हमारा ऑब्वियसली हमेशा रूल है कि हम उसे पीस वाइज बनाते हैं। तो मॉड की डेफिनेशन क्या है कि एफ एक्स माइनस एक्स होगा अगर एक्स मेरा लेस देन जीरो होगा, और एफ एक्स मेरा एक्स होगा अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो ये सबको समझ आती है मेरे हिसाब से, किसी को नहीं समझ आती तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। तो इसके बाद आगे क्या करना है हमने, अब एफ एक्स तो मेरे पास आ गया। अब देखो जीरो के इधर भी लेफ्ट में भी पूरा कंटिन्यूअस है, राइट में भी पूरा एक ही पॉलिनोमियल है, क्योंकि दोनों तरफ पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, जीरो पे ही है जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जीरो पे ही चेंज हो रहा है सिस्टम। तो हम जीरो पे चेक करते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड निकालूंगा जीरो नेगेटिव वाली लिमिट निकालूंगा तो क्या आएगी, अब फंक्शन मेरा जीरो नेगेटिव पे कौन सा उठाओगे, ये वाला उठाओगे। तो माइनस में आप जीरो डाल दो, देखो माइनस एक्स उठा लिया क्योंकि लेस देन जीरो है। तो लेस देन जीरो पे जीरो डाला, माइनस जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में जीरो डाल दिया आपने, काम हो गया। राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप, सर एक बार समझाना, सारा नेट कनेक्शन होगा खराब। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स में डाल देंगे, क्योंकि जब भी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा मेरा या इक्वल टू जीरो होगा, तो राइट हैंड में तो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो मतलब मैं पॉजिटिव एक्स उठाऊंगा। तो इसमें मैंने पॉजिटिव एक्स में जीरो डाल दी तो जीरो ही आ गई, ठीक है। मेरी लेफ्ट और राइट लिमिट मैच कर गया, बस फंक्शन चेक करना है जीरो पे क्या होगा। तो एफ जीरो पे क्या है, एफ जीरो पे इट इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि मॉड जीरो तो जीरो ही होगा ना। तो अब तीनों वैल्यूज मैच कर गई मेरी, राइट right. तो तीनों वैल्यू मैच कर गई, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो वो क्या लिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन कंसाइड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, हेंस एफ इट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसको सिंपली कैसे लिखेंगे, आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे, एंड दैट इज लिमिट एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ जीरो। बस यहाँ से आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है जी, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ऐसे लिखेंगे आप सिंबल वाले फॉर्म में, क्लियर है सबको। एग्जाम्पल फोर, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, ये फंक्शन दिया हुआ मुझे, इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम तो इसकी तरफ देखेंगे ही नहीं कि नॉट कॉन्टिन्यूस मांगा है, हम अपनी जितनी हमारी समझ है हम उससे करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। अब एफ एक्स क्या है, देखो जीरो पे ये वन है और उसके अलावा ये एक्स क्यूब प्लस थ्री है, तो ये तो आपको दिख ही गया नॉट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि जैसे ही आप इसकी लिमिट निकालोगे लेफ्ट और राइट दोनों इसमें से ही आनी है निकल के, वो थ्री बननी है और जीरो पे फंक्शन वन है, तो ये तो नॉट कॉन्टिन्यूस है ही है, ठीक है। लिमिट जो है वो थ्री आ रही है दोनों तरफ से और फंक्शन की वैल्यू वन आ रही है। अब जिसको नहीं दिख रहा उसके लिए, कि जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, तो एक्स क्यूब प्लस थ्री, अब जब आप इसमें जीरो डालोगे क्योंकि पॉलिनोमियल है जीरो ही डलेगी, जीरो क्यूब प्लस थ्री डालोगे तो थ्री आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, यानी कि फिर से इसी में डलेगी, क्योंकि देखो जीरो के अलावा फंक्शन दोनों बार यही है, सिर्फ जीरो पे वन है, दोनों में इसी में डलेगी।
तो 0 3 प्लस 0 क्यूब प्लस 3 इज, ये भी 3 आ गई, तो लेफ्ट और राइट तो बराबर आ गई। बट अब तीसरी चीज़ जो निकालनी होती है हमने, दैट इज f0। फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, वो 1 है, वो तो डिफाइंड ऑलरेडी है, देखो 0 पे 1 है। अब तीनों चीज़ जो है बराबर है, नहीं है, तो क्योंकि लिमिट जो है मेरी, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे जो एफ एक्स की आ रही है वो बिल्कुल बराबर नहीं है f0 के। सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, या फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सो एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यही उसने मांगा था। एग्जाम्पल 5 देखो क्या कह रही है। चेक द पॉइंट्स वेयर द कॉन्स्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू के जो है वो कॉन्स्टेंट ही है। किस टाइप का फंक्शन है ये? यस, उस टाइप का फंक्शन होगा ना, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो वाई इज इक्वल टू 2 का तो हमें पता है ग्राफ क्या होता है। वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ आपका, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये वाला होता है वाई इज इक्वल टू 2। तो ये तो कॉन्टिन्यूस ही है फंक्शन, एक ही बार में बन रहा है, क्लियर है, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। चलो अब हमने प्रूव भी करना है कि चेक द पॉइंट्स वेयर द कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, आपको वो पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस है। ग्राफ से तो हमें पता लग गया कि एट एवरी पॉइंट है, लेकिन इसको एलजेब्रिकली कैसे लिखना है? अब एलजेब्रिकली हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। अब क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है, तो मेरी लिमिट क्या होगी किसी भी पॉइंट पे, से रैंडम पॉइंट एक सी ले लेते हैं हम, ठीक है, रैंडम पॉइंट सी, इसने भी यही लिया, देखो लेट सी बी एनी रियल नंबर। तो जब मुझे जनरल चेक करनी होगी तो मैं सी एक रैंडम पॉइंट उठा लूँगा, मुझे पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया, पूरा का पूरा फंक्शन दे दिया उसने, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिमिट निकालूंगा भाई फंक्शन की। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, मैं डायरेक्ट सी पे निकालूंगा, तो एफ एक्स की जगह एफ सी आ जाएगा, ठीक है। अब एफ सी की वैल्यू क्या है, चाहे 1 डालो। अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ 1 की वैल्यू क्या है, 2 ही रहेगी, एफ 2 की वैल्यू क्या है, 2 ही रहेगी, तो यहाँ पे एफ एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, क्या ही तो रहेगी हमेशा, समझ आ गई आपको बात, ठीक है, क्योंकि लिमिट जो है वो उसमें डलेगी, अब कॉन्स्टेंट की लिमिट तो हटने से रही, कॉन्स्टेंट ही रहेगी। अच्छा अब मैं आपसे दूसरी चीज़ बोलता हूँ कि एफ सी की वैल्यू क्या है, तो एफ सी की वैल्यू उस फंक्शन की भी उस पॉइंट पे के ही है, तो अब आप चाहे लिमिट ले लो चाहे वे लो, दोनों के आ रही हैं, तो दैट मीन्स कि इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर सी। देखो क्या लिख रहा है वो, सिंस एफ सी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू लिमिट फॉर एनी रियल नंबर सी, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर सी। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया जाता है तो मैं रैंडम एक कोई भी सी पॉइंट ले लेता हूँ और उस पर लिमिट चेक कर लूँगा, और अगर उस पर लिमिट सही आ रही होगी और कंटिन्यूटी भी मैच कर रही होगी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, फंक्शन भी बन रहा होगा वही, तो मेरी कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट करेगी, तो मेरी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी तो मतलब वो फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस होगा, सी जो जो वैल्यू ले सकता है। क्लियर है सबको? 6th एग्जाम्पल देखो क्या बोल रही है। प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, y इज इक्वल टू एक्स, है ना, जो x की वैल्यू डालोगे वही आ जाएगी y की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते क्योंकि एफ एक्स वाई होता है। ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा y इज इक्वल टू एक्स का क्या होता है, ये वाली लाइन, तो ये तो कंटिन्यूअस है हर जगह, देख के ही पता चल रहा है। तो आपको ग्राफ बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको ग्राफ का एक बड़ा अच्छा होल्ड होना चाहिए। तो अब देखो एलजेब्रिकली कैसे करेंगे, ऐसे लिमिट निकालो आप, लिमिट जब इस पर निकालोगे रैंडम पॉइंट सी ले लोगे, ठीक है, एक रैंडम पॉइंट सी ले लिया मैंने, यहाँ पे देखो एक रैंडम पॉइंट सी ले लिया। अब जैसे ही मैं रैंडम पॉइंट सी लूँगा तो मेरा वाई क्या हो जाएगा, जब एक्स को सी डालूंगा तो वाई भी तो सी हो जाएगा, तो दैट मीन्स एफ सी मेरा क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू सी पे क्या होगी, सी होगी, राइट। और लिमिट अब मैं निकालने लगूंगा, इसके लिमिट में एट एक्स टेंड्स टू सी निकालने लगूंगा तो भी देखो सी आ रही है ना, तो इसका मतलब लिमिट भी मेरी सी आ रही है और मेरी फंक्शन की वैल्यू भी सी आ रही है, दोनों चीज़ें सी आ रही हैं मेरी, तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस एट सी और सी मेरा सारा रियल नंबर है, तो दस
लिमिट इज इक्वल टू सी, ऑल्सो फंक्शन की वैल्यू सी पे भी वही है सी, एंड हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। क्लियर है सबको? देखो जी, अब डेफिनेशन टू जो है उसने और जनरल कर दिया। अब उसने एक्स इज इक्वल टू सी की बात नहीं कर रहा, वो सॉरी एक्स इज इक्वल टू किसी पर्टिकुलर की पॉइंट की बात नहीं कर रहा, अब वो जनरल बात कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, अ रियल फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ। अगर डोमेन ऑफ एफ है, सपोज मेरा एक फंक्शन है एफ एक्स है, उसे मैं कह देता हूँ कि भैया ये सिर्फ जीरो से फाइव तक जो है इसकी डोमेन है, तो मतलब इसमें जीरो से फाइव हर रियल नंबर पे हर पॉइंट पे ये क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्स स्क्वायर की बोल रहा हूँ, अब एक्स स्क्वायर मैंने जीरो से फाइव तक कर दी, सिर्फ ये हिस्सा बनेगा अब एक्स स्क्वायर का, क्योंकि जीरो से फाइव, जीरो से ट्वेंटी फाइव तक चली जाएगी वैल्यू उसकी, है ना। तो लेकिन देखो ना, ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, बीच में आप कोई भी पॉइंट चेक कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस है, तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो हर डोमेन में, एफ की डोमेन में हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा अगर, तो उसको हम पूरे फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है जी। आप इसको क्या कह रहा है, देखो आगे बोल रहा है कि ए बी, ये उसने डोमेन दे दी, जैसे हमने जीरो फाइव ली थी, उसने डोमेन दे दी ए बी, ठीक है जी। अब वो बोल रहा है कि क्या करेंगे, अब आप देखो इसमें दो तीन बातें बड़ी छोटी छोटी सी ध्यान रखने वाली है। अब मैं जैसे इधर मैं बात करूँ, जीरो से लेफ्ट में चेक करने का कोई फायदा है नहीं है, क्योंकि फंक्शन को मैंने डिफाइन ही नहीं किया यहाँ पे। फाइव के राइट में चेक करने का कोई फायदा है नहीं है जी, क्योंकि उससे आगे मैंने चेक ही नहीं, यहाँ फाइव है देखो, यहाँ जीरो है। अब सिक्स लेने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने फंक्शन ही खत्म कर दिया, तो सिक्स पे आप क्या चेक करोगे, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब फाइव से राइट में चेक नहीं कर सकता मैं, जीरो से लेफ्ट में चेक नहीं कर सकता, तो मतलब जीरो पे ही जो वैल्यू होगी और फाइव पे ही लास्ट जो वैल्यू होगी वो चल जाएगी, बाकी तो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी बड़े आराम से आती है, लेफ्ट राइट दोनों होंगी उसकी लिमिट्स और फंक्शन की वैल्यू भी, लेकिन जीरो पे लेफ्ट वाली लिमिट नहीं होगी, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर वो लास्ट वैल्यू है। तो यही वो समझाना चाह रहा है कि आप लेफ्ट में ए, क्योंकि लेफ्ट लिमिट है, तो सिर्फ ए प्लस निकालोगे और एफ ए के साथ चेक कर लोगे, अगर दोनों सेम है तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे ही बी जो लास्ट है फाइव है जैसे, तो उससे सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और एफ बी पे चेक करोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, और ऊपर वाले केस में लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है जी। तो क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व दैट लेफ्ट हैंड लिमिट ए की और राइट हैंड लिमिट बी की डू नॉट मेक सेंस, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है, डोमेन से बाहर हो जाएंगी। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दिस डेफिनेशन, इफ एफ इज डिफाइंड ओनली एट वन पॉइंट इट इज कंटिन्यूअस देयर, ठीक है। कहने का मतलब अगर वो सिर्फ बी माइनस पे और बी पे हो गया तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। क्लियर है बात आपको? इसको बोलते हैं सिंगल टर्न डोमेन, सिंगल, जहाँ पे सिंगल टर्न सेट क्या था, हमने ग्यारहवीं में पढ़ा था, जहाँ सिंगल एलिमेंट है, तो ए और बी सिंगल एलिमेंट हो गए ना, राइट में कुछ नहीं है, इसलिए एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, वहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। देखो जी एग्जाम्पल सेवन, ये कहता है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, फिर से आ गया, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसने इसको जनरलाइज कर दिया, पीछे जो हमने एग्जाम्पल करी थी वो पर्टिकुलरली एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे बोल रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे जीरो पे चेक कर लिया था। अब यहाँ तो उसने पूरे को बोल दिया कि अपने आप ही डिफाइन, बताओ मुझे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसका ग्राफ जब मैं देखूँगा तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ग्राफ इसका ये बनेगा जी, आप जहां मर्जी तक डोमेन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो कहीं पे भी कंटिन्यूटी टूट ही नहीं रही है, लेकिन आप इसको लिखोगे कैसे, देखो इसको मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा, और क्या डिवाइड करूंगा मैं, पहला हिस्सा वुड बी मेरा नेगेटिव होगा जब एक्स, केस वन में क्या लूंगा, जब मेरा नेगेटिव होगा, फिर मैं केस लूंगा एक जब मेरा जीरो होगा, क्योंकि जीरो पे चेंज होता है, और फिर मैं लूंगा जब मेरा एक्स पॉजिटिव नंबर होगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, अब पहले तो मैं एफ एक्स को डिफाइन कर लूंगा, एफ एक्स मेरी डिफाइन होगी,
ठीक है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये तो डेफिनेशन है मेरी पीस वाइज की। अब देखो वो बोलता है कि मैं जीरो पे नहीं करूंगा, उसने बोल दिया यहाँ पे कि बाय एग्जांपल थ्री वी नो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमें भी समझ आती है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आपने लेफ्ट लिमिट जो ली थी लेफ्ट हैंड की, लेफ्ट हैंड वो भी जीरो थी, राइट हैंड वाली भी जीरो थी और जीरो वाली भी जीरो थी। तो इसको क्या करेंगे, इसको आप बड़े आराम से लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, ठीक है जी, एफ एक्स यानी मॉड एक्स, तो ये भी जीरो थी, राइट हैंड वाली भी जीरो थी, ठीक है जी, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे भी जीरो थी। तो ये तो कॉन्टिन्यूस है जीरो पे, एक पार्ट तो ये हो गया, मिडिल वाला पार्ट मेरा ये हो गया। अब लेफ्ट वाला पार्ट देखो, लेफ्ट वाला पार्ट यानी कि मैं सपोज यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ, मैं यहाँ पे रैंडम सी यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है जी, नेगेटिव वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो सी क्या आ गया आपका, सी इज लेस देन जीरो, यहाँ पे सी आपका क्या आ गया, सी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यहाँ पे जब मैं केस लूंगा सी इज ग्रेटर देन जीरो, ये सी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो वाला केस तो हमने नीचे कर दिया। अब जब c लेस देन जीरो होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ पॉइंट वैल्यू होगी, तो इसके लेफ्ट में देखो क्या है, c के लेफ्ट में भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट में भी एग्जिस्ट कर रही है और c पे भी वैल्यू आई है, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस है, बिल्कुल है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि c इज लेस देन जीरो के केस में एफ सी कितना होगा, एफ सी जब c मेरा नेगेटिव है तो मैं किस में वैल्यू डालूंगा, इसी में डालूंगा एक्स इज लेस देन जीरो में, तो माइनस सी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी माइनस सी, क्लियर है बात आपको। तो अब एफ सी जो है वो माइनस सी है और लिमिट जो है वो भी इसी में ही डलने वाली है, लिमिट भी माइनस सी आएगी क्योंकि पॉलिनोमियल ही है, सी लेस देन जीरो में तो सिर्फ यही बिहेव करेगा ना, ये सी लेस देन जीरो में यही बिहेव करेगा, तो माइनस सी आ जाएगी दोनों की। ये उसने लिख दी कि लिमिट एफ एक्स की सी पे कितनी होने वाली है, माइनस सी और एफ सी भी, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस हो गया फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है जी। अब हम करेंगे क्या, अब हम सी ग्रेटर देन जीरो पे ट्राई करेंगे। तो सी ग्रेटर देन जीरो पे आप देखोगे कि क्या आएगी, ये ले लेते हैं सी ग्रेटर देन जीरो पे, ये देखो ये रही, जब मैं एक्स को ग्रेटर देन जीरो लूंगा तो सी आएगी, तो अब क्या हो गया सी ग्रेटर देन जीरो के ऊपर मेरी एफ सी भी सी आ गई सीधी सीधी, और मेरी लिमिट है वो भी सी आ गई, ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूस है, तो मतलब इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब पॉजिटिव के लिए भी कॉन्टिन्यूस हो गया, नेगेटिव के लिए भी कॉन्टिन्यूस हो गया और जीरो पे भी कॉन्टिन्यूस हो गया, इसका मतलब इट इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स। ये देखो हेंस एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट, समझ आ गया जी, बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही लिखना जब रैंडम होगा, तीन केस बना के करेंगे, इसको स्टार लगा लो एग्जांपल सेवन को, इट इज टू गुड अ क्वेश्चन। एग्जांपल एट देखो क्या कह रही है जी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, अब उसने जनरल दे दिया, सब छोड़ दिया उसने, जनरल बताओ जी इसकी, तो इसका ग्राफ तो कुछ मॉड वाला तो बनेगा नहीं, तो इसका तो कुछ क्यूबिक फंक्शन है तो कुछ ऐसा झूमता हुआ सा ग्राफ बनेगा, तो इसका मतलब कोई जीरो जीरो स्पेशल तो केस है नहीं, तो सी पे ही ले लो सिर्फ रैंडम कुछ भी सी ले लो कहीं भी और उसको चेक कर लेते हैं। तो सी जब आप लोगे तो क्योंकि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इज टू इजी, सी पे क्या वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की, यही होने वाली है, सी डाल दोगे तो एफ सी क्या है, ये एफ सी है। आप उसके बाद लिमिट क्या होगी, लिमिट भी यही होने वाली है, लिमिट आप सी पे निकालोगे तो लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं पड़ती पॉलिनोमियल में, चुपचाप सी डालोगे तो ये भी यही है कि दोनों बराबर हो गया, इट इज कॉन्टिन्यूस एट, हेंस एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। ये तो सिंपल था, इट वॉज क्वाइट सिंपल। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये आपको ध्यान देना सिखाएगा, ठीक है, ये आपको बताएगा कि प्लस टू इतनी अलग क्यों है। देखो पहले क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नाइन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स। अब ये फंक्शन बड़ा ही कॉमन फंक्शन है, आपने देखा
ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप क्या बोलोगे जी, कंटिन्यूटी, आपके मन में ग्राफ आएगा वन बाय एक्स का, राइट। वन बाय एक्स का ग्राफ क्या होता है? वन बाय एक्स का ग्राफ हमें सबको पता है कि आप जब एक्स को जीरो के पास डालोगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और जब आप इसको इन्फिनिटी डालोगे तो जीरो के पास आ जाएगा, ऐसे, राइट। ऐसे ही नेगेटिव में भी होता है। तो आप कहोगे जी ये तो एक्स जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, सीधा सीधा दिख रहा है जी मुझे। और आप क्या वैसे भी कहोगे कि नीचे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड नहीं होता फंक्शन, इसलिए ये कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान दो, उसने सबसे पहले आपको ये चीज दे दी, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो हटा ही दिया उसने गेम से, डोमेन से ही हटा दिया उसने। अब डोमेन में जीरो बची नहीं है, अब बताओ, अब गेम चेंज हो जाती है, ठीक है। उसने ये डाला इसलिए प्लस टू डिफरेंट हो जाती है। इन छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाता है। आप जो भी मैं बना रहा हूँ कुछ भी मतलब नहीं रखता है, क्योंकि हम तो जीरो को लेके बना रहे हैं चीजों को। अब क्या होगा, अब जीरो, अब ये नॉर्मल पॉलिनोमियल बन गया, जीरो हट गई। तो अब आप रैंडम नंबर लोगे सी, कोई नॉन जीरो नंबर, ठीक है जी, नॉन जीरो रियल नंबर सी लिया, एफ सी डालोगे तो भी क्या आएगा, एफ सी डालोगे तो भी वन बाय सी आएगा, और लिमिट निकालो सी की क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो भी वन बाय सी आएगी। अरे ये तो दोनों वन बाय सी बन गई, ठीक है जी, क्योंकि सी तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो मेरी लिमिट जो है वो एफ सी के बराबर ही होगी। इसका मतलब इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि हम डोमेन ऑफ एफ से जीरो निकाल चुके हैं। समझ आ गया जी आपको डिफरेंस? ग्राफ अब जीरो पे नहीं लिख करेंगे आप कुछ भी, अब जीरो उसका खत्म ही हो गया। तो ये वाला, अब ये वाला पोर्शन जो इन्फिनिटी टच हो रहा है, ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, ग्राफ तो यही रहेगा, बट ये क्योंकि जीरो निकाल दी इसने, तो बड़ी ही एब्स्ट्रैक्ट सी सिचुएशन होगी कि ये वाला पोर्शन उसने निकाल दिया, ठीक है जी। समझ आ गया आपको? एग्जाम्पल 10 देखिए क्या बोलती है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, ठीक है। अब उसने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको नहीं दिया, आपको सारे फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो जब हम सारे फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक रैंडम नंबर सी ले लेते हैं और उस पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है अगर एस लेस देन इक्वल टू वन है, और एक्स माइनस टू है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। अब देखो पॉलिनोमियल है, हमें क्लियर है, जब भी वन से छोटा होगा तो एक्स प्लस टू रहेगा वो, और एक्स प्लस टू पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आपको पता है लिमिट भी वही एग्जिस्ट करती है और कंटिन्यूस भी 100% होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं केस वन बनाऊँ, केस वन में मैं क्या करने वाला हूँ, केस वन में अगर मैं सी को लेस देन वन ले लूँ, ठीक है, एक रैंडम पॉइंट, मतलब मैं फर्स्ट के लेफ्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ, तो केस वन क्या हो जाएगा, आपको पता है कि लिमिट अगर मैं इस पॉलिनोमियल की लगाऊंगा, लिमिट आप सी पे लिमिट लगाओगे अगर कोई, तो सी से लेफ्ट और सी से राइट, तो हमें पॉलिनोमियल के केस में लेफ्ट राइट की जरूरत ही नहीं होती लिमिट की, हम क्या करते हैं, हम सिंपल उसी को डाल देते हैं। तो एक्स टेंड्स टू सी है अगर, तो एक्स प्लस टू की जगह क्या आ जाएगा, सी प्लस टू आ जाएगा, सिंपल पॉलिनोमियल केस में लिमिट ऐसी निकल जाती है, राइट लेफ्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो लिमिट आ गई सी प्लस टू। अब आप देखो एफ सी क्या है, कंटिन्यूटी के लिए ये भी निकालना जरूरी होता है फंक्शन के लिए सी पे, तो वो भी एक्स की जगह सी डलेगा, तो वो भी सेम सी प्लस टू ही रहेगी, क्योंकि एक्स प्लस टू है फंक्शन, तो ये दोनों तो इसमें सेम आ रही है। तो नॉर्मली अगर हमें कोई उसमें पॉलिनोमियल्स में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती, कंटिन्यूस सीधा निकल आता है, ठीक है जी। तो ये तो मेरा केस वन हो गया लेफ्ट का। सिमिलरली मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ केस टू भी। केस टू क्या होगा, केस टू होगा मेरा जब मेरा सी ग्रेटर देन वन ले लेते हैं, ठीक है जी। अब सेकेंड केस ले रहा हूँ कि जब एक्स ग्रेटर देन वन है, तो मतलब सी कहीं यहाँ पड़ता होगा वन से बड़े में, तो वहाँ पे एक्स माइनस टू हो जाएगा पॉलिनोमियल, तो वहाँ भी सिंपल सा ही केस रहेगा कि लिमिट जब मैं लगाऊंगा सी की, तो वो क्या आने वाली है, वो सी माइनस टू आने वाली है, और एफ सी भी सी माइनस टू ही आने वाला है इस केस में भी, तो इसमें भी बराबर होगी, तो यहाँ भी कंटिन्यूस है, तो दो केसेस में तो मेरा कंटिन्यूस है ही है, ये तो हमें देख के ही पता चल जाना चाहिए था, राइट। अब मुद्दा कहाँ फंसेगा, मुद्दा फंसेगा जी एक्स इज इक्वल टू वन पे, क्योंकि वन के लेफ्ट में भी कंटिन्यूस है, वन के राइट में भी कंटिन्यूस है, तो हमें वन पे चेक करना कि वन पे क्या है।
तो वन पे जब आप चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव जब आप निकालेंगे तो आप एक्स प्लस टू में डालेंगे वन को, है ना, वन से लेफ्ट में ये है वैल्यू फंक्शन की, तो ये मेरी थ्री आ गई। और लेकिन जब आप किस में डालेंगे, अब जब आप कलर चेंज कर लेते हैं एक और, वेट, हाँ, जब आप लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस निकालेंगे तो क्या आ रही है, तो वन इसमें एक्स माइनस टू में डालेंगे आप, तो ये माइनस वन, माइनस टू इज माइनस वन। अब मेरी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, और ऊपर से तीसरी चीज़ अगर मैं फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है एफ वन पे, अब वन इज इक्वल टू, देखो यहाँ एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो वन भी इसी में डलेगा ऊपर वाले में, यानी कि थ्री आएगी। तो मतलब देखो तीनों चीज़ें बराबर नहीं है, माइनस वन तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वन पे नहीं एग्जिस्ट, सॉरी, हाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कंटिन्यूटी तो बहुत दूर की बात है, तो वन पे जो है कंटिन्यूटी नहीं होगा क्योंकि तीनों इक्वल नहीं है, ये और ये, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट वन। इसका मतलब वन मेरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो हमारे लेफ्ट में भी कंटिन्यूस है वन के, राइट में भी कंटिन्यूस है, लेकिन वन पे ही कंटिन्यूस नहीं है। तो ये तो हमने एलजेब्रिकली देख लिया, इसी को सिंपली ग्राफ से देख सकते हैं। एक्स प्लस टू का ग्राफ आप बनाओगे तो क्या आएगा, फटाफट एक्स को जीरो डालो, वाई टू आ रहा है, ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, मतलब ये वाली लाइन मेरी एक्स प्लस टू की है ना, और एक्स को और भी कुछ डाल लो, एक माइनस टू डालोगे तो जीरो है, ठीक है, यही लाइन है, और एक्स उसकी एक्स माइनस टू की फिर ये वाली लाइन है, तो ये ग्राफ हम बना लेंगे आराम से एक्स वाई को जीरो डाल के। अब क्या होगा, वन से बड़े में एक्स माइनस टू है, तो वन से बड़ी वैल्यू डालेंगे, इसको मैं छोटी नहीं डाल सकता, इसमें मैं एक्स की जो भी वैल्यू डालूंगा वन और उससे बड़ी डालूंगा, वन भी नहीं डाल सकता, वन ऊपर डलेगी, ठीक है जी, तो वन ऊपर डलेगी क्योंकि वन यही डिफाइंड है, तो वन प्लस टू थ्री, तो एक्स प्लस टू यहाँ तक जाएगा ग्राफ, वन प्लस थ्री तक, थ्री अलाउड है क्योंकि वन इसमें अलाउड है, लेकिन यहाँ वन अलाउड नहीं है, तो वन माइनस टू माइनस वन आएगा लेकिन अलाउड नहीं, आप वन डालेंगे इसमें वन माइनस टू एक पॉइंट लेने के लिए कि माइनस वन, लेकिन माइनस वन नॉट इंक्लूसिव होगा, उससे जस्ट राइट से ज़रा से वैल्यू शुरू हो जाएगी। तो ये ग्राफ है, अब ग्राफ देख के आपको एकदम आइडिया लग रहा है कि वन पे तो डिसकंटिन्यूटी है ही है, क्योंकि टूट रहा है पेन, उठ रहा है मेरा, तो वन इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है, देखो सीधी लाइन जा रही है तो कंटिन्यूस है ही है, राइट में भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन जा रही है, तो हमें ग्राफ से भी समझ आ गया और हमें एलजेब्रा से भी समझ आ गया कि वन इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब तो उसने बोल दिया भैया अपने आप ढूंढ के दो मुझे सारे पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ये नीचे उसने फंक्शन दे दिया आपको। तो फंक्शन क्या बोल रहा है, फंक्शन बोल रहा है जब एक्स वन से छोटा होगा तो मैं एक्स प्लस टू होऊंगा, जब वन होगा तो मैं ज़ीरो होऊंगा, जब एक्स ग्रेटर देन वन होगा तो मैं एक्स माइनस टू होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आप क्या कर रहे हो, इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो एक्स प्लस टू अभी हमने पीछे देखा था सिंपल सा लेस देन वन के लिए, तो वही वाली लाइन आ गई है, देखो ये वाली लाइन मेरी वही वाली लाइन है एक्स प्लस टू की, वन से छोटा, अब वन नहीं ले सकता मैं तो वन थ्री शेड नहीं है इस बार, ठीक है, वन पे आपकी वैल्यू डालोगे आप थ्री आ रही है, लेकिन आप थ्री को ले नहीं सकते, जस्ट उसके लेफ्ट से लेनी है, इसलिए आप अनशेडेड छोड़ दोगे इसे। अब राइट में आप वन पे क्या लोगे, शेड क्या करोगे, वन पे थ्री तो हो नहीं सकती वैल्यू, तो वन पे क्या है वैल्यू जीरो, तो वन पे आप किसे शेड करोगे, यहाँ हल्का सा मिसिंग हो गया, वन पे वैल्यू क्या है जीरो, तो आप इसको शेड करोगे, वन पे जीरो वैल्यू है। आप जब ग्रेटर देन वन है तो एक्स माइनस टू का ग्राफ है, ठीक है जी, वही सेम वैसा ही है, तो इसने अब हटा पिछले क्वेश्चन से एक वो चेंज कर दी, सिर्फ एक ही पार्ट चेंज करा उसने, ये कि वन पे उसने जीरो वैल्यू कर दी, बाकी सेम ही क्वेश्चन है देखो पिछली बार की तरह, ठीक है। तो अब उसने ये चेंज करके आपको क्या सिखाया कि अब कंटिन्यूटी में कोई फर्क पड़ा क्या, भाई पेन उठ रहा है, सीधी सीधी बात है, वन इज स्टिल इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अभी भी हमें दिख रहा है बिल्कुल वही की वही चीज है, तो कोई हमें दिक्कत नहीं आने वाली। जब आप क्या बोलोगे, आप लेस देन वन के केस में एक बार सी में क्या करूंगा, आई विल टेक सी हेयर, एक केस सी लेस देन वन में पड़ेगा, जब एक बार सी यहाँ ले लूंगा रैंडम, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया ग्रेटर देन वन में, और एक बार मैं वन पे चेक करूंगा,
ठीक है, एक बार मैं एग्जैक्टली वन पे चेक करूंगा, फिर से तीन केस बन गए। अब सी जब लेस देन वन लेंगे तो क्या होगा, तो लिमिट देखो सी प्लस टू ही पड़ेगी, और मेरी फंक्शन की वैल्यू भी सी प्लस टू पड़ेगी, तो कंटिन्यूअस है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सी ग्रेटर देन वन जब लेंगे तो सी माइनस टू पड़ेगी फंक्शन की वैल्यू भी, और लिमिट भी, दोनों में डायरेक्ट सी डलेगा, राइट। अब जब वन आता है अब दिक्कत है, अब जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो यहाँ डलेगी, ठीक है, वन यहां डलेगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी वन प्लस टू थ्री आ जाएगी, क्योंकि वन पे निकालनी है। और राइट हैंड लिमिट जब लूंगा, ये एल एच एल है मेरी, राइट हैंड लिमिट लूंगा वन से बड़ी, तो वन से बड़ा फंक्शन ये है, जब वन से बड़ा तो इसमें डलेगा वन, तो वन माइनस टू, पिछली बार जो किया था सेम वही है, माइनस वन होगी, ठीक है। तो लिमिट ही जब मैच नहीं कर रही और फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तीनों चीजें ही अलग अलग हो गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये थ्री हो गई, राइट हैंड लिमिट माइनस वन होगी, और फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली देखो सही चीज बिल्कुल जा रही है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी थ्री जा रही है, राइट हैंड लिमिट मेरी माइनस वन जा रही है, और फंक्शन की वैल्यू मेरी जीरो जा रही है। वाई की वैल्यू, एक्स की मत देखना, वाई की वैल्यू जीरो है इसमें, वन जीरो है ना, क्योंकि ये पॉइंट, तो वाई की वैल्यू इज जीरो, तो डिसकंटिन्यूस, स्टिल डिसकंटिन्यूस। क्लियर है, लिखने का तरीका आपको आता है, ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट थ्री, राइट हैंड लिमिट माइनस वन, और क्योंकि सी प्लस वन अब तो उसने इंग्लिश में ही चला दिया कि एज इन प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक है जी, सी प्लस टू, सी प्लस टू, बाकी सी जहां पे भी है वहां कंटिन्यूस है। क्लियर है जी सबको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोलती है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी, ठीक है, कुछ ने पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया तो यहाँ पे अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। फंक्शन क्या है, जब लेस देन जीरो है तो ये है, जब ग्रेटर देन जीरो है तो ये है। अब इसने जीरो डिफाइन ही नहीं किया, भाई साहब ने डोमेन ही नहीं ली, देखो यहाँ ये गेम खेल गया, एक्स जीरो होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो जब भी जीरो से लेफ्ट लेंगे हम, तो आपको भी पता है जीरो से लेफ्ट अगर मैं सी को लेस देन जीरो लूंगा तो फिर से एक्स प्लस टू होगा फंक्शन, तो इसकी क्या निकल के आएगी, इसकी सी प्लस टू ही निकल के आएगी, इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड, अगर मैं सी को जीरो से कम ले लूं केस, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड मिला के सब इसकी लिमिट सी प्लस टू आएगी, और फंक्शन की वैल्यू भी सी प्लस टू आएगी, ये हमें पता है। जब मैं सी को ग्रेटर देन जीरो ले लूंगा उस केस में ये मेरा फंक्शन होगा, तो यहाँ लिमिट मेरी माइनस सी प्लस टू आएगी, और फंक्शन की वैल्यू भी यही आएगी, तो मतलब यहाँ तो कंटिन्यूस है, ये हमें पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इनमें। तो अब प्रॉब्लम का एरिया जीरो है, पॉइंट कंटिन्यू जहाँ पे डिसकंटिन्यूस होना है वहाँ जीरो है, क्यों, अगर मैं जीरो पे चेक कर रहा हूँ, केस थ्री ले रहा हूँ, दिस वॉज ये मेरा केस वन था, ये मेरा केस टू था, और केस थ्री है जो मेरा, दैट इज वेन सी इज इक्वल टू जीरो, जो उसने हमें लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना, क्यों नहीं ले पा रहे हम, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज वन प्लस जीरो प्लस टू टू, ऊपर से राइट, ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट इज माइनस जीरो प्लस टू, वो भी टू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट तो मेरी टू आ रही है, लेकिन मेरे को कंटिन्यूटी में तीसरी चीज भी चाहिए, एंड दैट इज मुझे एफ जीरो चाहिए, जो इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो पे वैल्यू है ही नहीं फंक्शन की, तो एफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, मैं निकाल ही नहीं सकता इसको। तो इससे क्या हुआ, इससे ये सी वाला केस ही रिजेक्ट हो गया, दिस केस इज टोटली रिजेक्टेड, क्योंकि मैं इसको ले ही नहीं सकता हूँ, जीरो पे मैं फंक्शन की वैल्यू नहीं ले सकता हूँ। अब ये रिजेक्ट हो गया, अगर ये रिजेक्ट ना होता फिर तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मेरा 100% का आ गया था जीरो, क्योंकि जीरो पे इसकी वैल्यू कुछ और हो जाती, अगर कुछ और होती, नहीं तो कंटिन्यूस आ जाता, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जीरो पे है नहीं तो मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, हम अपना बंद रखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं हो रहा, कंटिन्यूस निकल आता, ठीक है। इससे कोई फर्क पड़ रहा है ये देखना हमें, ठीक है जी, अगर तो मैं थ्री नहीं ले रहा, अगर तो थ्री होता तब भी देखो लिमिट के हिसाब से तो टू ही निकल के आनी थी, तो कंटिन्यूस होता, अगर थ्री में जीरो में ले पाता तो पॉइंट सारा ही कंटिन्यूस होता, क्योंकि मेरा पेन भी सीधा चल जाता। लेकिन अब देखो, अब मैं पेन अगर चला रहा हूँ तो मैं क्या सीधा चला पाऊंगा, लेकिन यहाँ जीरो उसने हमें लेने ही नहीं दी, तो इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देखो क्या बोल रहा हूँ, सी केस वन एफ इज कंटिन्यूअस इन डी वन, केस टू
एफ इज कंटिन्यूअस इन डी टू, ठीक है जी। तो बाकी जगह है, सिर्फ एक चीज बोल रहा है यहां पे, आप फटाफट स्नैपशॉट ले लो, मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं। ये देखो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, देखो ये बोल रहा है। तो हमारा कहां पे फंसा हुआ था पेज, कि जीरो पे क्या है, जीरो पे, क्योंकि उसने डोमेन में इंक्लूड नहीं करा, उसका क्या फर्क है। तो देखो हम पढ़ रहे थे कि डिस्कनेक्शन से पहले, कि केस वन में जब उसने सी को लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो ले रहा है, वहां पे कंटिन्यूअस है, केस टू में भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, सिर्फ जीरो पे मुद्दा था। लेकिन वो कहता है जीरो पे मुद्दा है ही नहीं, कह रहा जीरो पे इसलिए मुद्दा नहीं है क्योंकि वो डोमेन में डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, इन दो के बेस पे ही डिसाइड करके हम बोल देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ डोमेन इन एफ। डोमेन एफ वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अगर तो जीरो डिफाइन नहीं किया, अगर तो मैं पेन पेन से ये बना रहा हूँ ग्राफ, तो मैं यूं बना रहा हूँ जी, और ये ग्राफ बना के अब यहाँ पे देखो मुझे पेन उठाना पड़ गया क्योंकि जीरो पे डिफाइंड नहीं है, है ना। तो मैंने पेन उठाया और मैंने ये बना दिया, राइट। तो ग्राफ में तो पेन उठाना पड़ गया, अब पेन उठाना पड़ गया इसके लिए हम बोलते हैं ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इस केस में उसने गेम ये खेली कि उसने जीरो को निकाल ही दिया, तो वो ये बोल रहा है जो पॉइंट हम डोमेन से ही निकाल देते हैं उस पर हमें पेंसिल उठाई हो या नहीं उठाई हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब अगर जीरो नहीं है, हम इसका आंसर लिखेंगे इन डोमेन एफ दिस फंक्शन इज वेरी मच कंटिन्यूअस, क्योंकि इसके दोनों पार्ट सी में लेस देन जीरो में भी कंटिन्यूअस आ रहे हैं और राइट पे हैंड में भी कंटिन्यूअस आ रहे हैं। समझ आ गया जी सबको। 13th में वो कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जब एक्स इक्वल टू जीरो आ चुका है, इसमें ग्रेटर देन जीरो है पॉजिटिव साइड, जीरो या जीरो से बड़ा है तो एक्स है फंक्शन, ठीक है जी, और जब मेरा लेस देन जीरो है तो मेरा एक्स स्क्वायर है। तो देखो ग्राफ से एक सेकंड में दिख रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जीरो और जीरो से ऊपर देखो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी, पॉजिटिव के लिए, और जब वो लेस देन जीरो है तो वो एक्स स्क्वायर है, तो वो एक्स स्क्वायर है, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे जीरो पे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आ रही है, आप इस एक्स में डाल के देख सकते हो, ठीक है जी, और राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड यहाँ डलेगी एक्स स्क्वायर में, यहाँ पे जब हम जीरो डालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट देखो जीरो आ रही है, राइट हैंड लिमिट यहाँ से जीरो आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे भी एक्स है वो भी जीरो आ रही है। तो मतलब सीधी सी बात है कि डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी, लेफ्ट में सब कंटिन्यूअस है, राइट में सब कंटिन्यूअस है, और जीरो पे था वहाँ भी सब कंटिन्यूअस है, इसलिए सब कुछ कंटिन्यूअस है, बड़े आराम से हम देख सकते हैं। तो अब देखो इसने क्या लिखा है, ये हमें ग्राफ से समझ आ गया बिल्कुल। अब इसको कैसे प्रूव करना चाह रहा है, इसने डोमेन वन ले लिया, डी वन डोमेन वन, राइट, और वो उसने x इज लेस देन जीरो की लिया, तो वहाँ पे x है मेरा फंक्शन, ठीक है जी। डोमेन टू उसने कब लिया, जीरो वाली ले ली, और डोमेन थ्री उसने तीन केसेस ले लिए बेसिकली, x ग्रेटर देन जीरो वाली ले ली, ठीक है जी। तो अब इसको केस वन पे सीधी सी बात है उसने सीधा ही लिख दिया इट इज़ कॉन्टिन्यूस, केस टू भी उसने सीधा लिख दिया इट इज़ कॉन्टिन्यूस, क्लियर है। और आगे केस थ्री पे देखो क्या बोल रहा हो, केस थ्री पे वो कह रहा है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स स्क्वायर में डाली जीरो आ गई, राइट हैंड लिमिट एक्स में डाली जीरो आ गई, एफ जीरो भी जीरो आ गया, ठीक है, यहाँ इसने लिख रखा है तीनों चीज़ें मैच कर गई, हैंस एफ इज कंटिन्यूस एट जीरो, दिस मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, एफ इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, hence f is a continuous function। समझ आ गया जी सबको। आप देखो 14th एग्जाम्पल में ये उसी चीज़ को बोल रहा है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, इसने मतलब बना ही दिया लाइन, हम इसी चीज़ को निकालते आ रहे हैं ना अभी, क्यों है अभी हमें बड़े आराम से समझ आता है। आप कोई भी फंक्शन ले लो, एनी फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स मैंने एक फंक्शन ले लिया, राइट, तो अब इस फंक्शन में जब मैं लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो निकलती नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे ही मैं एक रैंडम उस पर सी पे निकालूंगा लिमिट, तो आपको भी पता है क्या आएगी, एफ एक्स की लिमिट सी डायरेक्ट डल जाएगा, एफ सी आएगी,
और एफ सी भी एफ सी ही होगा, तो दोनों बराबर होंगे ही होंगे, हर हालत में होंगे, तो इसीलिए ये हमेशा ही कंटिन्यूस होगा फॉर एनी रियल नंबर सी। ठीक है जी, क्लियर है सबको? है छोटी सी चीज, इसने जो किया है आप इसको भी समझो। उसने बोला, उसने पॉलिनोमियल को, हमने यहाँ पे एफ एक्स लिया, उसने पी एक्स लिया, लेकिन उसने जनरल डेफिनेशन लिख दी पॉलिनोमियल की। देखो ए जीरो प्लस ए वन एक्स एक्स एन पावर तक, ये जनरल वो होती है, हमने टेंथ में देखा था पॉलिनोमियल की, किसी इसमें सारी पावर आ गई ना, एन तक पावर लगा दी उसने, आगे कोफिशेंट लगा दिए, तो सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं इसमें। अब उसमें क्या है, वो क्या बोलता है कि फॉर सम ए एन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, हमें पता ही, जैसे क्वाड्रेटिक में हम कहते थे कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, राइट, और कोफिशेंट सारे रियल नंबर होने चाहिए, तो ये उसने प्रॉपर डेफिनेशन पॉलिनोमियल की लिख दी। अब आगे उसने वही चीज़ कही जो हमने कही कि लिमिट निकालोगे आप पी एक्स की, वो पी सी होगी, इसमें देखो कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी, हमने सीधा यही लिख दिया, और फंक्शन की वैल्यू भी जो है दैट इज़ ऑल्सो पी सी, तो बस खत्म बात, पी इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, ये चीज़ उसने एक्स बस लिख दी। तो लिखने के दो तरीके हैं, बात एक ही है। एग्जाम्पल 15 देखते हैं जी क्या बोलती है। एग्जाम्पल 15 कहती है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सारे आपने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स ढूंढने, ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बस खत्म, ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, इसके आगे दिया हो चाहे नहीं दिया हमें यहीं तक समझ आ जाता है। ठीक है, आगे वो डिफाइन कर रहा है जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भूल गया हो, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, वेयर दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, डेफिनेशन तक दे दी उसने लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये आपको जिसको याद नहीं है मैं फटाफट लिख रहा हूँ क्या होता है ये, प्लस वन में हमने बड़े अच्छे से किया था रिलेशन फंक्शन में, तो रीकैप का टाइम है आपको जिसको नहीं आता, कि जब भी एक्स जो है जिंट की वैल्यू क्या होगी, जब भी एक्स जीरो से वन तक होगा, वन नहीं होगा 0.999 तक होगा, तो इस जिंट की वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी जिंट की वैल्यू जीरो होने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा इंटीजर इसमें जीरो ही है, जीरो से लेकर 0.9 तक में सबसे बड़ा इंटीजर जीरो ही है। फिर हम 1 से जब 2 तक जाएंगे, 1 से 1.9999 तक, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्लियर है? और ऐसे नेगेटिव का लेंगे अगर आप, तो नेगेटिव 1 से जब ये 0 जाएगा तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1 से कहाँ तक जाएगा, 0.1 तक, तो माइनस 1 आएगी। ठीक है, माइनस 1 इसमें, तो अब आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे ये सारी, ये ग्राफ जो है नीचे, ये इसी चीज़ का ग्राफ है। ठीक है, जीरो से वन में जीरो वैल्यू, ये वाली, राइट, कलर चेंज कर लेते हैं, जीरो से वन में जीरो ही आएगी वैल्यू। ठीक है, लेकिन वन जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा, जीरो, ये एक्स की वैल्यूज ली हैं, वाई जीरो ही है सारे में। ऐसे ही एक्स की वैल्यू जब आप वन से लेके 1.9 तक लेंगे, यानी कि टू खाली छोड़ देंगे, टू को नहीं लेंगे, तो वाई देख लो सिर्फ वन ही चल रहा, वन पे ही चल रहा वाई। ऐसे एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, जो एक्स है मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो माइनस वन से जीरो तक जाएगा, जीरो नहीं होगा, जीरो माइनस 0.1 तक होगा, तो वैल्यू मेरी माइनस वन ही है वाई की, क्लियर है? अब इसमें देखो कहाँ का पेन उठ रहा है, हर इंटीजर वाली वैल्यू पे ही तो पेन उठ रहा है, तो हर इंटीजर पर ही डिसकंटिन्यूस है, ग्राफ देख के तो हमने एक सेकेंड में बता दिया। ठीक है, तो आप इसको, आपको इसमें कुछ वैसे तो लिख, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वो मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ आपको। देखो बड़े ध्यान से समझना इसको जो मैं लिखने जा रहा हूँ, कि मेरे पास एफ एक्स जो है दैट इज जेंट एक्स, राइट। अब इसमें मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, ठीक है, एट ए पॉइंट सी रैंडम, ठीक है, रैंडम रियल नंबर सी के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ मैं, तो क्या होगी वो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव। अब आप जिंट के अंदर सी नेगेटिव डालेंगे तो हम सी माइनस एच भी लिख सकते हैं, एच टेंड्स टू जीरो लिख देते हैं इसमें, इसको और क्या लिखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सी को हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा एच ले लेते हैं सी के लेफ्ट में जाने के लिए, हम सी पे लिमिट निकालें ना, तो हम सी लेफ्ट जब जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको एच में कन्वर्ट कर लेंगे और एच को जीरो नेगेटिव लिख देंगे, ताकि हम कह रहे हैं कि सी से लेफ्ट में हम एच छोटा सा ले रहे हैं। बेसिकली हमने करा क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हमने एक्स को, एच को क्या कहते हैं, एक्स को जब राइट हैंड जाऊँगा तो मैं सी प्लस एच ले सकता हूँ, यहाँ सी और
यहाँ पे सी माइनस एच ले सकता हूँ लेफ्ट हैंड के लिए, ठीक है, क्योंकि एक्स पे तो सी को ट्राई कर रहे हैं ना हम, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी और ये मेरी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, राइट। अब जैसे ही एक्स सी जाएगा तो एक जगह, दोनों जगह जीरो को ही अप्रोच करने वाला ना, एक तरफ नेगेटिव साइड से और एक तरफ पॉजिटिव साइड से, क्योंकि सी सी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे जैसे इक्वल टू डालूंगा मैं, क्लियर है बात आपको। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब जीरो नेगेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या डल जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा डल जाएगा जी नेगेटिव लिमिट में सी माइनस एच, हल्का सा एच मैंने माइनस कर दिया सी में से। अब आपको पता है अगर मैंने ऊपर देखो वन में से थोड़ा सा भी कुछ माइनस कर दिया तो 0.9 हो गया, तो इसका मतलब जिंट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा ना, एक नंबर कम हो जाएगा ना वन से, ठीक है। तो सी माइनस एच जैसे ही करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी, सी में से एक कम करना पड़ जाएगा मुझे, सी माइनस वन आ जाएगी वैल्यू, क्लियर है सबको। और अगर यही चीज़ मैं राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए करता हूँ, तो आर एच एल अगर मैं निकालता हूँ तो मेरा क्या आएगा, मेरा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो पॉजिटिव और सी प्लस एच। अब सी प्लस एच देखो, अगर मैं वन में ज़रा सा भी कुछ ऐड कर दूँ तो 1.1 पे पहुँच जाऊँगा और 1.1 नीचे आ जाएगा, नीचे 1.1 1.2 सारे में मेरी वन खुद ही रहती है जिंट की वैल्यू। तो जब मैं सी प्लस एच करूँगा तो मेरी वैल्यू जो आएगी वो सी ही रहेगी खुद, सी में ज़रा सा एच ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो, दिस इज़ टू इम्पॉर्टेंट। तो राइट हैंड लिमिट सी, लेफ्ट हैंड लिमिट सी माइनस वन, ठीक है जी। तो ये तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो नॉट कंटिन्यूअस वेयर, नॉट कंटिन्यूअस एट एवरी सी, नॉट कंटिन्यूअस एन यू ओ यू एस, क्या स्पेलिंग होते हैं कंटिन्यूअस, हाँ, एट एवरी सी। भाई ये किसने दबा दिया, देखो नेक्स्ट है मेरी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, ठीक है, थ्योरम वन क्या रही है, सिंपल सी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन याद रखनी है, याद नहीं कई बार ना दिमाग से स्किप हो जाती हैं। वो कहता है सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस, दो रियल फंक्शंस हैं, कंटिन्यूस हैं दोनों के दोनों, एट रियल नंबर सी, तो मतलब रैंडम सी पे हैं तो कंटिन्यूस है हर कहीं, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर एफ और जी अलग अलग दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं तो फर्स्ट पार्ट उन दोनों का सम कर दूंगा तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा सी के ऊपर, दोनों को सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो भी कंटिन्यूस रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी कंटिन्यूस रहेगा, और दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो भी कंटिन्यूस रहेगा, सिर्फ एक कंडीशन, नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिवाइड में एक खास कंडीशन है जो हमें पता ही है कि जी सी है सी पे जो है फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो छोटी सी चीज़ है लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं, क्या याद रखते हैं कि अगर दो फंक्शंस मेरे कंटिन्यूस हैं तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कंटिन्यूस होगा, सिर्फ डिवीजन के केस में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए छोटी सी एक्सटेंशन है रिमार्क्स में उसने कहा है, और वो क्या है कि अगर मैं क्या करता हूँ कांस्टेंट फंक्शन के साथ जी को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन के साथ मैं जी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, जी एक्स इसमें कंटिन्यूस ऑलरेडी फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूस ही होगा, क्लियर है बात आपको। और दूसरे केस में ये कह रहा है अगर मैं डिवाइड कर दूँ कॉन्स्टेंट के साथ जी को तो भी कोई चक्कर नहीं है, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, बस नीचे जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, एक ही चीज़ है बस, ओके, ठीक है, बस छोटी सी दो चीज़ें इसमें डालनी थी। एग्जाम्पल 16 में वो कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, तो ये तो हमारा फोर्थ जो अभी ऊपर पढ़ी है हमने प्रॉपर्टी उसी से हो गया था कि एफ एक्स जो है वो पी एक्स ओवर क्यू एक्स है, राइट। अब रैशनल फंक्शन दो पॉलिनोमियल फंक्शन से बनेगा, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, और कंडीशन है ये कि क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो तभी रैशनल फंक्शन बनेगा, तो पॉलिनोमियल जो होता है वो भी कंटिन्यूस होता है, तो पी एक्स भी कंटिन्यूस होगा क्यू एक्स भी कंटिन्यूस होगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी से अभी पर हमने क्या पढ़ा कि दो कंटिन्यूस फंक्शंस को अगर हम क्या करें डिवाइड करें तो भी कंटिन्यूस रहता है फंक्शन, तो उससे हमें प्रूव हो गया कि ये कंटिन्यूस है फंक्शन, सिंपल। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की
कंटिन्यूटी। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप बेसिक सा रूल में सीधा बता देता हूँ आपको। जैसे आपको साइन एक्स की कंटिन्यूटी निकालनी है, ठीक है, अब आपको पता ही है साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कंटिन्यूस है ये, तो ग्राफ से तो हमें पता है दैट दिस थिंग इज कॉन्टिन्यूस। ओके, अब बस इसको किस चीज़ से करना है, हमने इसको हमने प्रूफ जैसे हम एलजेब्रिकली करते हैं, लिख के कैसे करना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप हमेशा क्या करेंगे, अब ऐसे ही एक रैंडम नंबर सी उठाएंगे, राइट। मैं रैंडम नंबर यहाँ पे सपोज सी उठा लिया, तो अब इसके लेफ्ट और राइट में जाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं सी माइनस एच और सी प्लस एच को यूज़ करूँगा, ठीक है जी। और एच क्या है, एच बहुत छोटा सा होगा, तो एच जो होगा लेफ्ट हैंड पे लेंगे तो एच को हम जीरो नेगेटिव, एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव कर देंगे, और यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखो अब जैसे इसने सी पे निकालनी थी, ठीक है, ये कहता है पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, तो एक्स को हमने क्या डाल देना जी, एक्स को हमने सी प्लस एच डाल देना। तो अब जब आप इसमें क्या करोगे, जैसे जैसे एक्स सी को अप्रोच करेगा तो वैसे वैसे देखो एच जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा क्या, ठीक है। तो इसको हम शो करते हैं जीरो पॉजिटिव से, जो मैं आपको बोला था यही कंडीशन है ये। अब हम क्या करेंगे, एक्स को सी से एफ एच, एफ एक्स की जब लिमिट निकाल रहे हैं हम सी पे, तो साइन एक्स की निकाल रहे हैं, अब हम एक्स की जगह क्या डाल देंगे, सी प्लस एच डाल देंगे, और एक्स टेंड्स टू सी की जगह क्या आ जाएगा, एच टेंड्स टू जीरो। तो बेसिकली हम इसे डायरेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं कि जीरो पॉजिटिव पे निकाल रहा हूँ जी मैं, और सी प्लस एच, राइट, है जीरो ही है एच। तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगा दें, साइन, सॉरी मैं लिखना भूल गया, अब इसको आप खोल लो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, तो उसने साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोल लिया। अब आप चुपचाप एच की जगह जीरो डाल सकते हो, एच की जगह जैसे ही आप जीरो डालोगे तो आप देखोगे क्या होगा, एच की जगह जैसे ही आप जीरो डालेंगे तो ये वन बन जाएगा, ठीक है जी, ये आपका जीरो बन जाएगा, तो ये पार्ट तो सारा जीरो हो गया, और ये अकेला साइन सी रह गया, तो साइन सी आ गया मेरा लिमिट, साइन सी इज़ माई लिमिट। अब आप देखो क्योंकि फंक्शन मेरा सिंपल साइन एक्स का है, एफ एक्स मेरा सीधा साइन एक्स का है, तो एफ सी क्या होने वाला है, एफ सी भी मेरा साइन सी होने वाला है, तो मेरा फंक्शन भी साइन सी है, लिमिट भी साइन सी है। अब मैं आप में इसमें एडिशनल करूँगा, इसने नहीं किया हुआ, आप सी माइनस एच पे भी करो, मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप सी माइनस एच पे भी करो, तो आप देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच करेंगे ना अगर हम, तो भी सिर्फ यहीं तो माइनस आएगा, तो ये साइन सी ही रहने वाली है बेसिकली, उसके बाद भी तो वो भी साइन सी आ जाएगी, तो तीनों ही साइन सी आ गए, लेफ्ट राइट एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों साइन सी आ गए, तो इसका मतलब इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो आपने ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने क्या करना है, जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सी प्लस एच यूज़ किया था, वही काम आपने यहाँ पर भी करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम सी प्लस एच से ही काम करेंगे, समझ आ गया जी सबको। ये लास्ट पार्ट है छोटा सा, ठीक है जी, ये क्या बोलता है, बस एक मिनट ही और चाहिए मुझे। हाँ जी हर्षित, ओके, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बीच में कनेक्शन कट गया था, कि थ्योरम टू क्या बोल रही है, ये कह रही है कि अगर जी मेरा कंटिन्यूस है और मेरा एफ कंटिन्यूस है किसी सी रियल नंबर पे, ठीक है, तो मेरा फॉग भी कंटिन्यूस होगा, कॉम्पोजिट हमने पढ़े थे ना गॉफ और फॉग, तो वो भी कंटिन्यूस होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एफ एक्स मेरा साइन एक्स स्क्वायर है, पीछे मैंने क्या कहा था, ये स्टार्ड है, अक्सर छूट जाती है ये आपने हमेशा याद रखनी है। जैसे मेरा एग्जांपल क्या है कि साइन एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर अंदर है, अब ये अंदर हमें तो साइन एक्स आता है फंक्शन, अब हमें साइन एक्स स्क्वायर तो नहीं आता, तो हम क्या करते हैं इसे दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, एक फंक्शन को हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक फंक्शन को हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर। तो सपोज मैंने एक फंक्शन एच एक्स मान लिया एक्स स्क्वायर अंदर वाला, और बाहर वाला मेरा मेन है वो मैंने जी एक्स मान लिया साइन एक्स, ठीक है। अब क्या है देखो,
अब मेरे दोनों फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस है, अगर मेरे ज़्यादा मार्क्स का आता है तो मैं एच एक्स को भी कॉन्टिन्यूस प्रूव कर सकता हूँ और मैं जी एक्स को भी कॉन्टिन्यूस प्रूव कर सकता हूँ। अब क्या हुआ, दोनों मेरे फंक्शंस जो हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं, तो इनको कॉम्पोजिट कर देंगे। अब हम अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे जी के अंदर एच चाहिए, तो मैं जी ऑफ एच एक्स करूँगा। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे को अब एक्स एच एक्स को रखना है एक्स की जगह, एच एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है तो मतलब साइन एक्स स्क्वायर बन गया है, इसको ही तो मैं कॉम्पोजिट बोलता हूँ, जी ऑफ एच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब मेरा क्या प्रॉपर्टी लगी कि मेरा एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, मेरा जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब मेरा जी ओ एच बाय थ्योरम जो अभी हमने ऊपर टू पढ़ी, मेरा जी ओ एच भी कॉन्टिन्यूस है। इसको हम ऐसे ही प्रूव करते हैं हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलरली अगली एग्जाम्पल भी इसी को बता रही है। देखो अगली एग्जाम्पल क्या बोल रही है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, अब ये बहुत ही डेंजरस सा फंक्शन है, वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स है और फिर उसके बाद एक और मॉड है। तो अब क्या आपने क्या करना है, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेना है। इस अंदर वाले वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये सिंपल सा फंक्शन है, इसको एक फंक्शन मान लेंगे और जो बाहर वाला मॉड है उसको एक फंक्शन मान लेंगे। अब इस एक्स को रिप्लेस करना है, क्लियर है बात। तो जो इसने मानी मैं वही मान लेता हूँ, जी एक्स इसने ऊपर वाले को माना है और एच एक्स इसने नीचे वाले को माना है। आपको पता मॉड एक्स भी कंटिन्यूअस है और ऊपर वाला, तो ऊपर वाला भी देखो दो प्रॉपर्टी में बन रहा है। ऊपर वाला अगर मैं इसको कलर चेंज करके बताऊं, देखो ये वाली प्रॉपर्टी अलग है, वन माइनस एक्स इज कॉन्टिन्यूस और मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूस। अब हमें पता है अगर मैं इसको एल एल एक्स और एम एक्स दे दूं नाम, तो एल एक्स और एम एक्स भी मेरे अलग से कंटिन्यूस हैं, तो दोनों का एडिशन भी 100% कंटिन्यूस होगा, ये भी मैंने पढ़ा था। तो ये प्रॉपर्टी से जी एक्स कंटिन्यूस होगा, अब जी एक्स कंटिन्यूस होगा, एच एक्स कंटिन्यूस होगा, तो इसका मतलब मुझे एच के अंदर क्या रखना है, जी रखना है, तो मैं हॉग करूंगा यानी कि एच ऑफ जी एक्स लगाऊंगा। तो क्या बन गया मेरा, वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है ना। मैंने क्या करा, इसके अंदर सिर्फ ये सारा रख दिया, एच के अंदर रखना है ना जी एक्स को, तो एच ओ जी कॉम्पोजिट फंक्शन है। अब ये भी मेरा कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि मेरा जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है और मेरा एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो उनका कॉम्पोजिट फंक्शन भी हर हालत में कॉन्टिन्यूस होगा, ये कोई भी मिस आउट नहीं करेगा। तो एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है आज हमने, एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एक्स इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, तो ये बड़ा ही सिंपल है, हमारे इंट्यूशन क्या बोलती है हमें, हमने जितना सीखा उससे हमारा दिमाग हमें बोल रहा है कि क्योंकि एफ एक्स पॉलिनोमियल है तो ये 100% कंटिन्यूस होने वाला, आंसर हमें पहले से पता है। अब ये कौन सी टाइप है, जब इस पर हमें ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है तो बहुत ही आसान है, पॉलिनोमियल है, और अगर एक पॉइंट दिया है मुझे तो किसी पर भी मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। जैसे 0 पे अगर आपको करना है तो आप फटाफट क्या करेंगे, इस पर तो पॉलिनोमियल है, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट निकलेगी नहीं, सिंपल लिमिट निकलेगी x टेंड्स टू 0 पे, और वो क्या होगी, वो सिंपली एफ एक्स की 5 इंटू एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे 3, और ये -3 आ जाएगी, राइट। और एफ 0 क्या है मेरा, दैट इज ऑल्सो -3, तो दोनों मेरी बराबर आ गई। पॉलिनोमियल्स में हमेशा यही करना हमें, मेरी लिमिट जो है वो किसके बराबर आ गई है जी, वो मेरी लिमिट फंक्शन के बराबर आ गई है यानी कि 3, तो दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ कंटिन्यूस, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, पूरा आप ऐसे ही बना के लिखेंगे, ऐसे ही आप एक्स -3 पे लिख सकते हैं और ऐसे ही आप एक्स इज इक्वल टू 5 पे आप कर सकते हैं, दैट इज योर होमवर्क। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, फिर से पॉलिनोमियल दे दिया उसने हमें, एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो बिल्कुल पिछली बार की तरह ही करेंगे, चाहे मुझे एफ 3 निकालना है चाहे मुझे लिमिट निकालनी है, दोनों मैंने 3 ही डालना है इसमें, तो दोनों ही मेरी कितनी वैल्यू आने वाली है दोनों के लिए, मेरी यही वैल्यू आने वाली है मेरी 3 का स्क्वायर 9 टू 18 -1 17, तो ये भी कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये सिर्फ मैंने आपको हिंट दिया, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं, पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट हम सिंपली बहुत आराम से कर सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, हम थर्ड का भी, चलो थर्ड का ए पार्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं,
मैं एक बार आप स्नैपशॉट खींच लो, नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, अब एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। अब उसने पॉइंट हटा दिया, पहले पहले दो क्वेश्चन में उसने पॉइंट दिया हुआ था, अब उसने पॉइंट हटा दिया। अब हमें रैंडम नंबर क्या लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा रैंडम नंबर, ठीक है जी। तो अब हमारा है पॉलिनोमियल्स ही हैं, लेकिन रैंडम नंबर सी लेना पड़ेगा। तो हमें बस चेक करना है, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट तो प्लेन पॉलिनोमियल है, तो इसमें तो मुझे कुछ नहीं करना, रैंडम नंबर सी पे चेक करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिमिट सी पे चेक कर लूँगा, तो वो मेरी सेम ही रहने वाली है। क्या आएगी लिमिट, जब मैं एक्स टेंड्स टू सी निकालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स की जगह एक्स माइनस फाइव की जगह क्या आ जाएगा, सी माइनस फाइव आ जाएगा, ठीक है। और मेरा एफ सी निकालेंगे, वो भी देखो मेरा सी माइनस फाइव ही आएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कंटिन्यूस है, बिल्कुल लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी सेम है, दोनों क्योंकि बराबर है, तो मेरा क्या आ जाएगा जी, मेरा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, इतना सिंपल ये हो जाएगा। देखो इसमें हम अगर लेफ्ट और राइट भी निकालना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो मेथड टू में अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें, तो आप जब क्या करेंगे, आप लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव निकालने की बात करें, सी के लेफ्ट में लिमिट निकालने की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो ले रहा हूँ, एच छोटी सी वैल्यू उठा रहा हूँ, और एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, अब एक्स माइनस सी डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाता है, हम क्या करते हैं इसमें नॉर्मली, हम क्या करते हैं कि एक्स की जगह हम सी माइनस एच डाल देते हैं, राइट, ये चीज़ डाल देते हैं, तो एक्स की जगह क्या डल जाएगा, सी माइनस एच डल जाएगा। एच टेंड्स टू ज़ीरो होता है क्योंकि आप देखोगे कि जैसे ही एक्स सी को अप्रोच करेगा तो एच टेंड्स टू ज़ीरो अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और एच टेंड्स टू ज़ीरो जब हो जाएगा तो एक्स की जगह मुझे क्या डालना है, सी माइनस एच डालना है बस। तो मैं सी माइनस एच एक्स की जगह डालूंगा और माइनस फाइव एज इट इज है, राइट। तो एच तो मैं ज़ीरो डल जाएगा, तो क्या निकल गया, सी माइनस फाइव ही निकल आई। जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मैं एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव जो होगा वो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो ही रहेगा। अब फर्क क्या रहेगा कि यहाँ पे सी प्लस एच डल जाता है, अब यहाँ पे जो सी माइनस एच डालते हैं हम उसकी जगह सी प्लस एच आ जाता है, तभी तो राइट हैंड साइड जाएगी वो, तो माइनस फाइव एज इट इज रहेगा। अब यहाँ भी एच को ज़ीरो डालते तो सी माइनस फाइव आ रही है, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी मेरी देखो दोनों सेम आ रही हैं, और एफ सी तो नो डाउट है ही सी माइनस फाइव है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट सी। तो देखो मैंने एक इलेबोरेटेड मेथड भी आपको बता दिया, नीचे वाला श्योर शॉट वाला, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला, और क्योंकि पॉलीनोमियल्स में सी पे डायरेक्ट लिमिट आती है तो ये भी टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट है ऊपर वाला भी, तो दोनों मेथड आपको समझ आने चाहिए। अब बी पार्ट देखो क्या बोल रहा है, बी पार्ट कह रहा है कि एफ एक्स जो है मेरा वन ओवर एक्स माइनस फाइव है, और उसने डोमेन में से एक्स नॉट इक्वल टू फाइव हटा दिया, अदरवाइज नीचे जीरो आके नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब इसमें भी हम वही सी पे चेक करेंगे, जैसे ही आप सी पे चेक करेंगे तो क्या चीज़ आएगी, वन ओवर सी माइनस फाइव आ जाएगा, एज सिंपल एज। तो इसमें जैसे ही मैं लिमिट डालूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, तो क्या आ रही है, ये चुपचाप वन ओवर सी माइनस फाइव आ रही है, और इसकी फंक्शन की वैल्यू भी यही आ रही है, ठीक है जी, एफ सी पे। तो इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस है क्योंकि फाइव तो इसमें से उसने हटा ही दिया, ठीक है। क्लियर आपको ये वाली चीज़, बी पार्ट क्लियर है, तो सी भी मैं यहीं करने की कोशिश करता हूँ। सी में अब यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस फाइव है, अब उसने माइनस फाइव नीचे से हटा दिया डोमेन में से, तो बाकी बचे हुए पे आप डालेंगे तो इसको क्या करेंगे, अब आप लिमिट अगर डालने की कोशिश करेंगे तो वैसे भी माइनस फाइव पे जीरो पर जीरो ही आ रही थी, फाइव पे, हाँ फाइव पे चेंज आ रही है माइनस फाइव पे, तो लेकिन उसने डोमेन से हटाई दिया। तो अपना सिंपल ही निकालते हैं लिमिट, जो हम निकालते हैं सी पे, तो सी पे जैसे ही मैं लिमिट निकाल लूँगा सी की एक्स सी एक्स टेंड्स टू सी, तो ये क्या आएगी, सी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर सी प्लस फाइव, तो इसके तो फैक्टर बन जाएंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, सी माइनस ट्वेंटी फाइव सी प्लस सी माइनस फाइव हो जाएगा, और सी प्लस फाइव आपका कट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से, तो सी माइनस फाइव मेरा आंसर है, ठीक है। और यही मेरा एफ सी डालोगे तो भी यही होने वाला है, तो
ये भी एफ सी के बराबर ही आने वाली है जी। तो ये भी मेरी बिल्कुल लिमिट वो कंटिन्यूस है फंक्शन, एफ इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पहला वाला भी एफ कंटिन्यूस था और सेकेंड वाला भी है, सी वाला भी कंटिन्यूस है, क्योंकि सारी वैल्यूज ठीक आ रही हैं। पॉलिनोमियल्स के साथ यही आसानी होती है। अब डी में मॉड आ रहा है, तो आप एक बार इसको स्नैपशॉट ले लो, फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो, डी पार्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव की, फाइव की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है हमने। तो इसकी कंटिन्यूटी में पहले तो हमें फंक्शन ये पकड़ना पड़ेगा कि क्या है ये फंक्शन। तो फंक्शन को जब हम समझेंगे, तो अगर मैं फंक्शन को डिफाइन भी कर दूँ एक सिंपली, तो क्या चीज़ आएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। ये कब होगा, जब पूरा का पूरा एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डाल सकता हूँ, यानी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव आ जाएगा। और माइनस कब होता है मॉड के अंदर का पूरा, जब यही सारा लेस देन जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स इज लेस देन फाइव आ जाएगा। तो जब भी मैं फाइव से बड़ा ले रहा हूँ तो एक्स माइनस फाइव, फाइव से छोटा ले रहा हूँ तो माइनस एक्स माइनस फाइव। ठीक है, इज इक्वल टू वाला भी ऊपर ही रहेगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू फाइव में भी ऊपर वाला ही मेरे को अलाउड है। अब जब मेरा देखो तीन केस बन रहे हैं, केसेस कौन कौन से बन रहे हैं मेरे, केसेस मैं देख रहा हूँ, तो एक्स इज लेस देन फाइव का केस बनेगा जब पाँच से छोटा है, एक केस बनेगा जब एक्स फाइव है, और एक केस बन रहा है जब एक्स ग्रेटर देन फाइव है। तीन केसेस मेरे पास आ चुके हैं। तो एक्स इज लेस देन फाइव में मेरा फंक्शन क्या है, मैं देख सकता हूँ एक्स माइनस फाइव, सॉरी माइनस एक्स माइनस फाइव है, या आप कह सकते हैं फाइव प्लस एक्स है। ठीक है जी, और फाइव प्लस फाइव माइनस एक्स कह सकते हैं आप। एक्स इज इक्वल टू फाइव पे फंक्शन क्या है मेरा, एक्स इज इक्वल टू फाइव पे एक्स माइनस फाइव ही है फंक्शन, ये वाला ऊपर से, और ग्रेटर देन पे भी फंक्शन मेरा यही है। तो बेसिकली तीनों पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो एक्स इज लेस देन फाइव में तो ये पॉलिनोमियल है, आप इसे रैंडम एक किसी भी पॉइंट पे उठाओ, ये आपको सही मिलने वाला है। आप कोई भी सी लेस देन फाइव उठाओ, और लिमिट आप उसकी उठाओगे जैसे ही, तो फाइव माइनस सी आने वाली है। तो लिमिट जब मैं एक्स टेंड्स टू सी लूँगा, ठीक है जी, तो इस केस में क्या आएगी, फाइव माइनस सी आने वाली है, और एफ सी भी इस केस में क्या आने वाला है, फाइव माइनस सी ही आने वाला है। तो दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस, एफ इज़ कंटिन्यूस, इस पार्ट में मेरा एफ कंटिन्यूस है। अब मैं बात करूँगा, अगर मैं राइट हैंड साइड केस की बात करूँ, तो यहाँ भी बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि एक्स इज़ ग्रेटर देन फाइव में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये भी बड़े आराम से आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये सी माइनस फाइव आ जाएगा, और एफ सी भी यही है। तो इसका मतलब एफ इज़ कंटिन्यूस, यहाँ पे भी कंटिन्यूस है इन दिस डोमेन। ठीक है जी, अब रही बात फाइव पे, तो फाइव पे चेक कर लेते हैं बस। तो फाइव पे जब मुझे चेक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, फाइव पे जब मुझे चेक करनी है तो मैं करूँगा, पहले तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव नेगेटिव, फाइव के लेफ्ट में, अब फाइव के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, फाइव के लेफ्ट में फंक्शन है एक्स माइनस फाइव, राइट, नहीं, फाइव के लेफ्ट में फंक्शन है माइनस एक्स माइनस फाइव। तो माइनस एक्स माइनस फाइव, इसमें आप फाइव डाल सकते हैं आराम से, तो फाइव माइनस फाइव जीरो, ये तो ये जीरो आ गया। क्लियर है बात। अब मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव पॉजिटिव चेक करूंगा, तो इसमें क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव पॉजिटिव में मेरी लिमिट ग्रेटर देन जीरो वाला, ये वाला केस आएगा एक्स माइनस फाइव वाला। तो एक्स माइनस फाइव में फाइव डालो, यहाँ से भी जीरो आ रही है। ठीक है जी, और एफ फाइव क्या आएगा, एफ फाइव देखो आप इस वाले में ही डलेगा, क्योंकि इक्वल टू में यही है। तो एफ फाइव में मेरा क्या केस बन रहा है, एफ फाइव में मेरी भी फाइव माइनस फाइव फिर से जीरो आ रही है। तो तीनों मेरे बराबर हो गए, तो तीनों मेरे बराबर हो गए, इसका मतलब एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू फाइव। यहाँ पे क्या था, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज लेस देन फाइव, और राइट में क्या था, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज ग्रेटर देन फाइव। अब ग्रेटर देन फाइव पे भी कॉन्टिन्यूस आ गया, लेस देन फाइव पे भी कॉन्टिन्यूस आ गया, और एक्स इज इक्वल टू फाइव पे भी कॉन्टिन्यूस आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर इज एफ इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पार एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन, वेर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो सिंपल सा, क्योंकि एक्स रेस टू पार एन ये क्या, ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की तो किसी में भी निकालोगे तो सेम ही आने वाली है। इसमें क्या होगा, इसमें जब मैं लिमिट निकाल लूँगा एक्स टेंड्स टू एन पे, ठीक है ना, उसने क्योंकि एन पे मांगी है ना, तो एन पे जैसे मैं लिमिट तो क्या आएगी मेरी लिमिट एन पे निकालने पे, तो यहाँ पे एक्स रेज टू पार एन में सीधा एन डल जाएगा, तो बेसिकली एन रेज टू पार एन आ जाएगी। क्लियर है, इज इक्वल टू है, इम्प्लाइज नहीं लगाते। और अगर मैं एफ सी एफ एन निकाल रहा हूँ तो वो भी मेरी एन रेज टू पार एन ही आ रही है, दोनों इक्वल है, तो सिंपली इट इज एफ इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी, एट एक्स इज इक्वल टू एन। आप एक लाइन वो हर किसी में लिखेंगे कि दिस बोथ आर इक्वल वाली, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आप हर में लिखेंगे। सिमिलरली फिफ्थ में क्या बोल रहा है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, अब ये पीस वाइज दे दिया उसने, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू वन, एट एक्स इज इक्वल टू, तीनों पूछे हैं उसने। तो इसमें अगर आप, मैं फंक्शन को ही अगर देख रहा हूँ तो मैं अपना जो फर्स्ट कट इम्प्रेशन जो ले रहा हूँ, वो इम्प्रेशन क्या ले रहा हूँ मैं, वो इम्प्रेशन मैं ये ले रहा हूँ कि मेरे पास कितने सारे इसके बनने वाले हैं केसेस। अगर मैं पूरा फंक्शन देखता हूँ तो एक तो x इज लेस देन वन का बनने वाला है, ठीक है, दूसरा केस मेरा वन पे मुझे फंक्शन चेंज होता हुआ नज़र आ रहा, ब्रेक पॉइंट नज़र आ रहा वन पे, तो वन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, और तीसरा मेरा x इज ग्रेटर देन वन, तो तीन केसेस तो मुझे ये दिख ही रहे हैं। तो जब x इज इक्वल टू जीरो पे बात कर रहा है तो x इज इक्वल टू जीरो इसमें पड़ता है, x इज इक्वल टू वन इधर पड़ता है, और x इज इक्वल टू इसके अंदर पड़ता है, तो ये दो केस तो मेरे 100% कंटिन्यूस हैं, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसमें है एक्स इज लेस देन वन में, एक्स इज लेस देन वन में मेरे पास फंक्शन सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स लेस देन वन में सिर्फ एक्स बिहेव कर रहा है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस तो हो गई, ठीक है, आप सी डालोगे तो फटाफट आ जाएगा कॉन्टिन्यूस, इसने एफ सी के इक्वल आना लिमिट ने, तो ये तो आपका डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस होगा, और इसको करने का आपका होमवर्क है ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे फंक्शन मेरा एफ एक्स इज व्हाट, एफ एक्स इज फाइव, जब ग्रेटर देन वन है तो एफ एक्स फाइव है, तो फाइव है तो कांस्टेंट है, तो हमेशा ही फाइव ही रहना है, इसने तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये भी हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस ही रहने वाला है। लेफ्ट हैंड लिमिट लो, राइट हैंड लो, चाहे फंक्शन की वैल्यू लो, सब कुछ फाइव आने वाला है। क्लियर है जी, ये तो ये भी आप लिख सकते हैं, इसको प्रॉपर राइटिंग आपका होमवर्क है। इसके बाद बचता है पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन, अब इस पे क्या है, इस पे भी मैं देख रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट डालूंगा तो क्या आएगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मेरी वन यहाँ डलेगा वन आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट क्या है, फाइव तो चेंज होने वाली है नहीं, फाइव ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वन आने वाली है, राइट हैंड लिमिट फाइव आने वाली है, फंक्शन की वैल्यू भी वन, फंक्शन की वैल्यू तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें क्योंकि लिमिट से मैच नहीं कर रही, तो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट वन। तो यहाँ पे मैं जैसे ही लिमिट शो करूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन की क्लैरिटी आ चुकी है, तो जैसे मैं वन नेगेटिव निकाल रहा हूँ तो मेरी क्या आ रही है, एक्स के अंदर वन डालोगे आप तो वन आ रही है लिमिट, और जब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ वन प्लस करके, तो आप किस में डलेगी, फाइव में डलेगी, फाइव फंक्शन मेरा वन प्लस पे फाइव है ना, वन से कम में एक्स है फंक्शन, वन से ऊपर में फाइव है, राइट हैंड लिमिट में फाइव आएगा, तो फाइव आने से मेरी क्या हुई, फाइव ही रहेगी, अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, खत्म होगी बात मेरी, तो एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये मेरे तीनों केसेस बन गए, फंक्शन डिस्कस हो गया तीनों पॉइंट्स पे। सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन में वही है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, कोई पॉइंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो मेरे को तीन केसेस वही दिख रहे हैं, एक्स इज लेस देन टू वाला, एक्स इज इक्वल टू टू वाला, और एक्स इज ग्रेटर देन टू वाला। तो लेस देन टू में मेरा टू एक्स प्लस थ्री एफ एक्स, मेरा एफ एक्स इज टू एक्स प्लस थ्री, राइट हैंड में मेरा जब ग्रेटर देन टू है तो मेरा टू एक्स माइनस थ्री है, यहाँ से एफ एक्स इज टू एक्स माइनस थ्री, टू पे मेरा देखते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल के लगेगा, अब ये भी पॉलिनोमियल है, तो लेस देन टू पे तो ये पॉलिनोमियल है, तो ये 100% कंटिन्यूस है, ठीक है जी, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, राइट, आप सी डाल के आराम से
कोई भी वैल्यू सी पे दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी यह पॉलिनोमियल है तो आप इसको भी आराम से कंटिन्यूस दिखा सकते हैं। दिक्कत सिर्फ टू वाले में, तो टू वाले में हम चेक कर लेते हैं। तो टू वाले में जब मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव लूँगा तो टू कहाँ डलेगा, टू ऊपर वाले में डलेगा, तो टू एक्स प्लस थ्री में डलेगा। तो कितनी आ जाएगी जी, ये मेरी टू टू ज़ फोर, फोर प्लस थ्री सेवन आ रही है। अब जब मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव ले रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ, तो इसमें डलेगी, तो टू एक्स माइनस थ्री में डलेगी। तो फोर माइनस थ्री वन, अब यहाँ पे भी देखो मैच नहीं कर रही, फंक्शन की वैल्यू निकालने की तो नौबत आई ही नहीं मुझे। अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो एफ़ टू क्या आने वाली है, एफ़ टू भी ऊपर में डलेगी क्योंकि इक्वल टू का निशान यहाँ पे है। तो यहाँ पे टू प्लस टू फोर सेवन आ रही है अभी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, दैट एफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू, बाकी वो कॉन्टीन्यूअस है, बाकी में हमने सारे यहाँ आपने शो करनी है। ठीक है, यहाँ पे यू हैव टू शो फॉर सी लेस देन टू, यहाँ पे भी शो फॉर सी ग्रेटर देन टू। तो ये आपको पूरे पूरे पार्ट में नहीं लिख रहा हूँ, मैं बीच वाला जो कंसेप्ट में है ना वो लिख रहा हूँ, बाकी आप अब आराम से हैंडल कर सकते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये उसने फंक्शन दिया हुआ पूरा पीस वाइज में, पीस वाइज के अंदर मॉड भी है और बिना मॉड के भी है। तो हम अपना प्रोसेस बनाते हैं, सिंपली इसको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो अलग अलग पॉइंट्स देखते हैं कितने केसेस इसमें बन सकते हैं। तो पहला केस जो मुझे दिख रहा है दैट इज़ एक्स इज लेस देन माइनस थ्री का, तो एक्स इज लेस देन माइनस थ्री का पहला केस बन रहा है। ठीक है जी, सेकंड केस जो मेरा बन रहा है दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पे बनेगा। ठीक है, एक केस ये बन जाएगा, फिर एक केस मेरा क्या बनेगा, एक केस मेरा माइनस थ्री से थ्री के बीच में बन रहा है, तो एक केस मेरा माइनस थ्री से थ्री के बीच में बन रहा है, एक केस मेरा थ्री पे बन रहा है और एक केस मेरा थ्री से बड़े पे बन रहा है। तो इसमें मेरे पास काफ़ी केसेस बन रहे हैं, केस वन मेरा ये बन रहा है एक्स इज लेस देन माइनस थ्री, केस टू मेरा ऊपर से देखो ये बन रहा है, केस थ्री मेरा ये बन रहा है, केस फोर मेरा ये बन रहा है थ्री और एक थ्री से बड़ा। ठीक है जी, केसेस तीन ही हैं, दो बॉर्डर लाइन आ गई हैं बस, एक थ्री वाली और एक माइनस थ्री वाली, बाकी तीन वही हैं जो सामने हमें दिख रहे हैं। तो अब इसमें कहाँ पे फोकस करते हैं, पहले इधर से फोकस करते हैं x लेस देन माइनस थ्री पे। तो x लेस देन माइनस थ्री वाला जो केस है इसमें मेरा जो एफ एक्स है वो मेरा एफ एक्स इज मॉड एक्स, एफ एक्स जो है मेरा दैट इज मॉड एक्स प्लस थ्री। अब इसमें मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे देखना है, क्योंकि पॉलिनोमियल तो है नहीं लेकिन हमें यह पता है मॉड जो है वो कंटिन्यूस होता है, उसमें कहीं दिक्कत तो आती नहीं। तो अगर आपको इसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड करना है चेक तो फर्दर दो बनाओ या सिंपली सी से कर लो। तो सिंपली अगर मैं सी से करूँगा तो सी एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, ठीक है, सी को इंट्रोड्यूस कर देना फॉर एनी रियल नंबर सी। तो अब इसमें क्या करना है, विच इज़ लेस देन, सी इज़ लेस देन आपको शो करना पड़ेगा, सी भी जो है वो लेस देन माइनस थ्री है। तो इसमें आप सी नेगेटिव पे लेंगे तो यानी कि क्या होगी, आप किस पे ले रहे हैं, आप एच टेंड्स टू ज़ीरो कर रहे हैं और इसमें आप सी माइनस एच डाल रहे हैं प्लस थ्री। अब सी माइनस एच जब डालेंगे, ज़ीरो डालेंगे एच को, तो सी आ जाएगा, सी का मॉड सी क्या है, सी एक नेगेटिव नंबर है। तो C अगर नेगेटिव नंबर है तो इसमें C हमेशा क्या निकल के आएगा, ये आप डायरेक्ट भी C डाल के देख सकते हो, नेगेटिव C डालोगे तो C पॉजिटिव निकल के आएगा और ये क्या चीज़ निकल के आएगी, ये C प्लस थ्री निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू C पॉजिटिव डाल लो, तो यहाँ पे लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो और सी प्लस एच प्लस थ्री। अब एच जीरो डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी सी प्लस थ्री आएगा, तो लिमिट तो मेरी मैच कर रही है। और एफ सी डालूंगा तो दैट इज ऑल्सो सी प्लस थ्री, क्योंकि नेगेटिव में से देखो मॉड निकल के प्लस आ जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी, कहाँ पे, व्हेन सी इज लेस देन माइनस थ्री, इसमें वो हर कहीं है, ठीक है, एक्स या सी, यहाँ पे सी को डिफाइन कर देना। अब ये पार्ट तो मेरा हो गया, यहाँ तो कॉन्टिन्यूस है। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे, और सेकेंड पार्ट क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। इज इक्वल टू पे देख लेते हैं क्या बोल रहा, इज इक्वल टू पे जो फंक्शन है मेरा दैट इज ऑल्सो एफ एक्स जो है वो क्या है, वो मॉड एक्स नहीं, इज इक्वल टू पे वो फंक्शन की वैल्यू ले सकता हूँ मैं, लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। एफ एक्स तो मेरा मॉड एक्स प्लस थ्री ही है इज इक्वल टू पे माइनस थ्री पे। तो अब इसमें आप अगर माइनस थ्री पे चेक करेंगे तो माइनस थ्री पे जब आप चेक करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस थ्री क्या होगा, तो माइनस थ्री प्लस थ्री, तो ये आपका आ गया जीरो, नहीं सिक्स आ गया, सॉरी थ्री प्लस थ्री सिक्स आ गया आपका, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, अब हम इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री नेगेटिव, है ना, तो जब हम थ्री नेगेटिव चेक करेंगे तो अब नेगेटिव वाली तो मॉड में जाएगी, तो आप कहाँ चेक करेंगे, मॉड में, तो आप यहाँ पे क्या डालते हैं, थ्री पे चेक कर रहे हैं तो सी माइनस एच डालते हैं, सी यहाँ पे थ्री है तो थ्री माइनस एच डल जाएगा एक्स की जगह, मॉड क्लोज प्लस थ्री, तो ये मेरी एच को अब क्या करेंगे, एच टेंड्स टू जीरो होता है इसमें, मैं एक लाइन लिखना भूल गया, वो आप इसमें लिख डालना, ऐड कर देना कि एच टेंड्स टू जीरो वाली ऐड कर देना आप इसमें, एच जब ज़ीरो होता है तो इसमें यहीं एडिशन में ऐड कर देता हूँ एच टेंड्स टू ज़ीरो, तो इसमें क्या होगा, ये भी थ्री प्लस थ्री क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा जी। सिमिलरली जब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालने लगूँगा एक्स टेंड्स टू थ्री पॉजिटिव पे, यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, तो थ्री प्लस एच लेना होगा, आप सी प्लस एच लेते हैं क्योंकि अब हम प्लस थ्री, इस पर भी ज़ीरो डालोगे तो ये भी सिक्स आ रही है, तो इसमें सब कुछ सिक्स आ रहा है, तो इसमें सब कुछ सिक्स आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरी लिमिट जो है एट एक्स टेंड्स टू थ्री नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस थ्री, ठीक है जी। तो इससे क्या आ गया, तीनों मेरे बराबर आ गए, तो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पे कॉन्टिन्यूस है, तो ये मेरा सेकेंड पार्ट खत्म हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या होने वाला, थर्ड पार्ट किस पे चेक करना है, माइनस थ्री से थ्री, इधर चेक कर लेते हैं, माइनस थ्री से थ्री में अब ये बीच में ही रहेगा, है ना, अब ये माइनस टू एक्स ही रह रहा है, माइनस थ्री से थ्री ये एफ एक्स इज माइनस टू एक्स। अच्छा, हमने इसमें गलती कर दी, हमने देखो बड़ी एक बड़ी छोटी सी गलती कर दी, छोटी सी क्या है, बड़ी है, क्या गलती करी वो हमने पीछे नोट नहीं करी। देखो माइनस थ्री से जब मैं लेफ्ट में ले रहा हूँ, एल एच एल ले रहा हूँ, तो मॉड एक्स प्लस थ्री आएगा, लेकिन जब राइट हैंड ले रहा हूँ तो ये नहीं आएगा क्या, माइनस टू एक्स, क्योंकि माइनस थ्री से ज़रा सा बड़ा होते ही माइनस टू एक्स, तो मेरी गलती क्या रही कि राइट हैंड लिमिट में मुझे क्या लेना चाहिए था, राइट हैंड लिमिट में मुझे यहाँ पे थ्री प्लस में मुझे टू एक्स में डालना है, तो ये मेरा गलत हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, तो मुझे टू एक्स में डालना है, तो मैं टू इंटू थ्री डालूंगा और बाई चांस वो सिक्स ही आ रहा है, तो यहाँ हम बच गए, तो इसलिए कंटिन्यूस में नीचे हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, टू इंटू थ्री सिक्स ही आ रहा है, और इनफैक्ट एक मिनट रुको, टू इंटू थ्री नहीं होगा, टू इंटू माइनस थ्री होना चाहिए, एक और मुझे चीज़ चेक करने दो, माइनस टू एक्स है, तो उसने माइनस टू एक्स है, तो माइनस टू यहाँ पे सिक्स ही आ रहा है, माइनस थ्री डलेगा अंदर तो सिक्स आ जाएगा, तो ये कंटिन्यूस ही रहेगा। तो ये गलती का ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड मेरा अलग था फंक्शन, राइट हैंड मेरा अलग था फंक्शन। अब थ्री पे चेक हो गया, अब मुझे बीच में चेक करना है सिर्फ माइनस थ्री से थ्री के बीच में, तो ये तो पॉलिनोमियल है, सिंपल सिंपल माइनस टू एक्स, ये कंटिन्यूस रहेगा, आप किसी भी सी के लिए बीच में आप चेक कर सकते हैं,
तो वो माइनस टू सी ही रहने वाला है, और ये पॉलिनोमियल है तो इट विल बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद x इज इक्वल टू थ्री पे भी हम वैसे लेफ्ट और राइट दोनों चेक करेंगे। x इज ग्रेटर देन थ्री पे भी सिंपल सी बात है, देखो x इज ग्रेटर देन सी पे भी पॉलिनोमियल है, f इज व्हाट 6x प्लस टू ना, तो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो इसमें भी मुझे बड़े आराम से मिल जाएगा। अब सिर्फ थ्री पे रहेगी बात, तो अब कौन सा केस बचा है, अब सिर्फ x इज इक्वल टू थ्री वाला केस बचा है। इस केस को जब हम डिस्कस करेंगे तो थ्री में हम देखो आप लेफ्ट में जब लिमिट निकालेंगे तो थ्री के लेफ्ट में फंक्शन माइनस टू एक्स है ना, थ्री के लेफ्ट में, क्योंकि थ्री से छोटा जो है वो माइनस टू एक्स है। तो जब मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री नेगेटिव निकालने वाला हूँ तो मैं माइनस टू एक्स में डालूंगा, तो यानी ये कितना आ जाएगा, ये सिक्स आ जाएगा है ना, नहीं इस टाइम प्लस माइनस सिक्स आएगा क्योंकि एक्स जो है थ्री नेगेटिव में थ्री डलेगा। ठीक है जी, x की जगह थ्री डल जाएगा तो मेरा माइनस सिक्स आ जाएगा। अब जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो थ्री प्लस में जब मैं लूंगा अब फंक्शन सिक्स एक्स प्लस टू में डलेगा थ्री, तो अब सिक्स एक्स प्लस टू में डलेगा क्योंकि राइट हैंड जो है थ्री प्लस में फंक्शन सिक्स एक्स प्लस टू है, तो सिक्स इंटू थ्री एटीन प्लस टू ट्वेंटी, तो यहाँ पे मेरा मैच नहीं कर रहा है लिमिट। आप फंक्शन की एफ थ्री भी निकालोगे तो वो भी 20 आएगा, नीचे वाले में ही डलेगा 6x प्लस टू में, क्योंकि इक्वल टू में भी देखो वैल्यू जो है वो 6x प्लस टू है। तो यहाँ पे मेरा एफ इज, क्योंकि लिमिट्स मेरी एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो अब ये हमारा सारा पूरा तैयार हो गया, और उसमें क्या बना हमारी स्टोरी कि कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस है, नॉट कंटिन्यूस है। ठीक है जी, हर जगह कंटिन्यूस है, सिर्फ थ्री में यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, बाकी ये हर जगह कंटिन्यूस है, हम चेक कर सकते हैं। देखो एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन सिग्नम फंक्शन के ही हैं, तो एक जैसे सही लग रहे थे मुझे, तो मैंने दोनों को इकट्ठे कॉपी कर लिया। तो अब इसमें क्या है, इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि एट्थ क्वेश्चन में जब तो ज़ीरो है तो ज़ीरो है, और फंक्शन अगर ज़ीरो एक्स नहीं है तो फंक्शन मेरा ये सिग्नम फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, तो ये तो प्रॉपर सिग्नम फंक्शन ही है सारा का सारा। तो सिग्नम फंक्शन के ग्राफ मुझे याद है कि क्या था, कि अगर मैं ग्राफ से आपको शो कर रहा हूँ तो माइनस वन जब नेगेटिव होता, प्लस वन जब पॉजिटिव होता, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, यहाँ कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ज़ीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये हमें ग्राफ से एकदम पता चल गया। अब इसको एल्जेब्रिकली कैसे देखना है, हमने भाई तीन केसेस आप इसके बना सकते हो, और क्या बना सकते हो, एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो का केस बना सकते हो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो का केस बना सकते हो, एक्स इज़ ग्रेटर देन का ज़ीरो का केस बना सकते हो। इसमें जब मैं सी से चेक करूँगा लेस देन ज़ीरो में, तो सी जब मैं नेगेटिव लूँगा तो बड़े ही आराम से मेरा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आने वाली है। अच्छा, इसमें तो लेस देन ज़ीरो में तो आप सी डालो सिंपल, ठीक है, तो जैसे ही आप सी डालोगे, मॉड है, मॉड के कारण मुझे लेनी पड़ेंगी दो लिमिट्स, तो मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा खुला लिख लेते हैं, या चलो इसको नीचे में नीचे करता रहूँगा, यहाँ पर मेरा फंक्शन जो है दैट इज़ मॉड एक्स ओवर एक्स, यहाँ पे मेरा फंक्शन इज मॉड एक्स ओवर एक्स। यहाँ जब मैं आपको वो लूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट लेके, तो सी पे हम लेंगे, सी इज़ लेस देन ज़ीरो का केस अगर हम लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट जब मैं एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव की चेक करूँगा, ठीक है, तो एच टेंड्स टू ज़ीरो, ऐसे डबल लिखना मत, आप तो प्रॉपर लिखना, मैं स्पेस करके लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c माइनस एच ओवर, नीचे क्या आएगा, नीचे भी c माइनस एच आएगा, तो मैं क्या करूँगा, h को ज़ीरो डाल दूँगा, h को जैसे ही मैं ज़ीरो डालूँगा तो मॉड c ओवर c, ये तो आ गया मेरा वन। ठीक है, जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालने लगूँगा,
सी पॉजिटिव एच जीरो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ तो, क्योंकि सी ओवर एच मॉड है, सॉरी है, तो सी प्लस एच ही रहेगी, एच को ज़ीरो डालो, मॉड सी ओवर सी, अगेन ये क्या आने वाला है, ये वन, राइट, क्योंकि दोनों ही इसमें सी जो है दोनों में ही नेगेटिव नंबर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इधर जब मैं करूँगा तो इधर क्या करेंगे हम, इधर भी सेम ही चीज़ रहेगी, बस सी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स टेंड्स टू सी, यहाँ पे क्या है, सी इज़ पॉजिटिव, तो एक्स टेंड्स टू सी जब मैं पॉजिटिव लूँगा तो आप देख ही सकते हो, वैसे भी सी डालो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, प्लस वन ही आने वाला है इस केस में भी, ठीक है जी। तो इसमें क्या आने वाला है, इसमें मेरा सी एच टेंड्स टू ज़ीरो, सी नेगेटिव, और यहाँ पे सी माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, सी माइनस एच वन आ जाएगी, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव जब निकालूँगा तो सी प्लस एच ओवर सी प्लस एच आ जाएगी, यहाँ वन, यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे देखो इस गलती को ठीक कर सकते हैं हम, और वो क्या है, क्योंकि सी यहाँ नेगेटिव है तो सी जब नेगेटिव लूँगा तो ऊपर प्लस सी आएगा, मतलब प्लस हो जाएगा नंबर, और नीचे सी जो है नेगेटिव का रहेगा, तो मेरी जो लिमिट आने वाली है दैट विल बी माइनस वन, यहाँ पे भी माइनस वन, क्योंकि ऊपर वाला सी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा मॉड से बाहर आके, नीचे वाला सी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो एफ़ कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी एफ़ कंटिन्यूस है, इन दो केसेस में एफ़ कंटिन्यूस है, क्योंकि अच्छा एक तीसरी वैल्यू भी निकाल लो, एफ सी की वैल्यू क्या आने वाली है, तो सी ओवर सी वन ही आने वाली है, इधर एफ सी की वैल्यू क्या आने वाली है, सी नेगेटिव नंबर है ध्यान रखना, तो ये नेगेटिव वन ही आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एफ कॉन्टीन्यूस है, यहाँ पे भी एफ कॉन्टीन्यूस है, राइट। अब बचा ज़ीरो वाला केस, तो ज़ीरो वाले केस में हम क्या करेंगे, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या आएगी, लिमिट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे, वैसे फंक्शन क्या है ऊपर देख लो एक बार, ज़ीरो ही है फंक्शन, ठीक है जी। तो जब मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव ले रहा हूँ, तो ज़ीरो नेगेटिव में मैं, मेरे को पता है फंक्शन नेगेटिव लूँगा तो भी फंक्शन यहाँ जाने वाला है, पॉजिटिव लूँगा ज़ीरो तो भी राइट हैंड भी यहीं जाने वाला, फंक्शन ज़ीरो के लेफ्ट हैंड में भी यही जाने वाला है, सिर्फ ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो है, ठीक है जी। तो जैसे ही मैं नेगेटिव लूँगा तो मेरा क्या आएगा, ज़ीरो माइनस एच ओवर ज़ीरो माइनस एच, राइट। तो अब ये क्या होगा, ये भी माइनस वन आ जाएगा कि नहीं, क्या गड़बड़ करी इसमें मैंने, हाँ ठीक है, ज़ीरो माइनस एच, ये माइनस एच से मॉड एच बाहर आ जाएगा, नीचे नेगेटिव है माइनस वन आ जाएगा। जब मैं इसको एक्स टेंड्स टू ज़ीरो पॉजिटिव करूँगा तो ये ज़ीरो प्लस एच उसी में डलेगी, यहाँ ज़ीरो प्लस एच, अब ये वन आ गया, तो लिमिट ही मेरी मैच नहीं कर रही, और एफ ज़ीरो अगर ले रहा हूँ तो वो ऊपर डिफाइन किया हुआ उसने ज़ीरो पे, फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, ये तो तीनों ही मैच नहीं कर रही, तो दैट मीन्स एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये मेरा इसका सिग्नम फंक्शन का डिस्कशन हो गया। नाइन्थ तो नीचे ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची, तो ये सबको एट्थ समझ आ गया जी, सब एट्थ पर से डिस्कस करना चाहता तो कर सकता है। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन भी एट्थ के जैसा ही है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो जब तो लेस देन ज़ीरो है, तो लेस देन ज़ीरो में वैल्यू क्या होने वाली है, एक्स इज लेस देन ज़ीरो में ये हमेशा सी ओवर मॉड सी रहेगा, सी नेगेटिव है, सी इज़ लेस देन ज़ीरो ले रहे हैं हम, सी को भी हम लेस देन ज़ीरो ले रहे हैं, तो आपका क्या आने वाला है, ये हमेशा ही एफ सी की वैल्यू, और वो जो भी कह लो आप, माइनस वन ही आने वाली है पिछले केस की तरह, तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सी ग्रेटर देन ज़ीरो में क्या आने वाला है, सी ग्रेटर देन ज़ीरो में भी आपका, अच्छा इसमें अब इसने चेंज कर दिया, अब इसने चेंज कर दिया, तो सी लेस देन ज़ीरो में, तो यहाँ तो ये आपका लेस देन ज़ीरो में हमेशा माइनस वन आने वाला है, तो हम क्या कर सकते, अच्छा इसको देखो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, एट्थ क्वेश्चन को भी मैं ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, कि आपने लेस देन ज़ीरो जब लिया तो सी आपका क्योंकि नेगेटिव है तो सी ओवर सी करो, तो आपका माइनस वन आ गया सीधा। अब ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया, तो आप जो मर्जी वैल्यू लो, लेस देन जीरो के लिए हमेशा यही रहने वाला है, कांस्टेंट फंक्शन हो गया जी हमेशा ही, तो आपको वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी लेफ्ट इसमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल कांस्टेंट आ गया, तो दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म भी है।
एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो भी फिर मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, ग्रेटर देन जीरो में तो है ही कुछ नहीं है, उन्हें सीधा ही माइनस वन अपने आप दे दिया, तो अब कॉन्स्टेंट है तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया एट एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब तीसरा मुद्दा जो बचा वो कौन सा बच गया जी, वो हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे अब मैं क्या लूँगा, अब लेफ्ट और राइट दोनों चेक करूँगा मैं, तो जैसे ही मैं लेफ्ट ले रहा हूँ एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एच ले रहा हूँ मैं एच टेंड्स टू जीरो, तो मैं इसकी जगह जीरो माइनस एच लगा रहा हूँ और नीचे जीरो माइनस एच लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस एच ओवर एच आ जाएगा, यानी कि माइनस वन आ रही है। अब मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव लगा रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में हम जा रहे हैं एच टेंड्स टू जीरो ही ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जीरो प्लस एच आएगा, ठीक है। नहीं अब नहीं आएगा, फिर वही गलती हो जाती, बड़े ध्यान से देखना फंक्शन कौन सा है, ग्रेटर देन जीरो में तो है ही नहीं फंक्शन, है ग्रेटर देन जीरो में तो ये है फंक्शन, तो सिंपल सिंपल माइनस वन है, तो निकल के माइनस वन आ रही है जी। और एफ जीरो पे क्या आ रही है, जीरो पे भी फंक्शन माइनस वन है, तो यहाँ तीनों देखो बराबर आ गए, तो यहाँ तीनों बराबर आने से मेरा एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस है, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, एफ इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ये मेरा आंसर बन जाएगा। अब देखो 10, 11, 12 मैंने तीनों एक साथ इसलिए पेस्ट कर लिया क्योंकि अब सिंपल हो गया काम, अब हमें आता है, हमें काम ये आता है कि अब ये पॉलिनोमियल्स हैं, अब आप इनको बड़े आराम से प्रूव कर लोगे, सिर्फ इनके जो ब्रेक पॉइंट्स हैं वन वाले वही दिक्कत देंगे, है ना। यहाँ पे वन है, इलेवंथ क्वेश्चन में टू है और फिर वन है ट्वेल्थ में, तो रेस्ट आप पॉलिनोमियल बाकी आप सब खुद करेंगे अपने आप, लेफ्ट क्या कहते हैं जो तीन केसेस हम बनाते हैं। तो अब मैं सिर्फ ब्रेक पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ, और ब्रेक पॉइंट पे डिस्कशन से क्या है, यहाँ मुझे बड़े आराम से दिख रहा है कि जब मैं लेफ्ट हैंड लूँगा, लेफ्ट हैंड टेंथ क्वेश्चन का कर रहा हूँ यहाँ, जैसे ही मैं वन के लेफ्ट हैंड लूँगा तो मेरा कहाँ पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा मुझे वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वन प्लस वन टू हो जाएगी, और जब मैं इसमें वन पॉजिटिव पे ले रहा हूँ तो मुझे इसमें लेनी है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन में वन प्लस वन ये भी टू आ जाएगी, और जब मैं एफ टू ले रहा हूँ और एफ वन ले रहा हूँ तो वन पे भी वन प्लस वन टू आ जाएगी, तो इट इज़ एफ इज़ कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक केस करा आपका एट एक्स इज इक्वल टू वन वाला, बाकी दोनों जगह x इज लेस देन वन और x इज ग्रेटर देन वन दोनों में पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस रहेगा, एक में c प्लस वन बन जाएगी, एक में c स्क्वायर प्लस वन, तो वो बड़े आराम से आप लिख सकते हो दिस इट इज़ कंटिन्यूस। ऐसे इलेवंथ में भी आप बड़े आराम से लिख सकते हो लेस देन टू और ग्रेटर देन टू में, वहाँ सी क्यूब माइनस थ्री हो जाएगा, वहाँ सी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, सिर्फ टू पे चेक कर लेते हैं x टेंड्स टू टू नेगेटिव, तो टू नेगेटिव किस में पड़ेगा, अब टू नेगेटिव इसमें ऊपर वाले में पड़ेगा, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री में, तो इसमें कितना आ जाएगा एट माइनस थ्री टू डाल देंगे तो ये फाइव आ गया। जब मैं राइट हैंड साइड चेक करूँगा तो टू प्लस मेरा इसमें डलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वन में, तो ये टू का स्क्वायर प्लस वन यानी ये भी फाइव आ गया। अब मैं एफ टू चेक कर लूँगा, एफ़ टू किस में पड़ेगा, एफ़ टू इज इक्वल टू इसमें पड़ेगा, तो ये मेरा टू का क्यूब माइनस थ्री ये भी फाइव आ गया, तो दैट मीन्स एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरीवेयर ही कंटिन्यूस है, ज़रूरत ही नहीं एक्स इज इक्वल टू टू लिखने की, बाकी दो में भी कंटिन्यूस ये पॉलिनोमियल है क्योंकि, ठीक है। लिखेंगे आप उसे प्रॉपर, वो आपका होमवर्क है, मैं सिर्फ आपके साथ कंसेप्ट डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि दिमाग पे लोड कम रहे। ट्वेल्थ वाले में क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल्स हैं जी, सी टेन माइनस वन हो जाएगा, सी स्क्वायर है लेफ्ट वन और लेस देन वन और ग्रेटर देन वन के केस में, मैं सिर्फ तीसरा केस एक्स इज इक्वल टू वन कर रहा हूँ आपके लिए, प्रॉपर तीनों केसेस बनते हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें ये पॉलिनोमियल एक्स टेन माइनस वन है तो पॉलिनोमियल है तो डन है कॉन्टिन्यूस है, ग्रेटर देन वन में एक्स स्क्वायर है पॉलिनोमियल है कॉन्टिन्यूस है, वन पे क्या करेंगे लेफ्ट हैंड में हम जाएंगे तो
वन नेगेटिव देखेंगे तो इसमें डलेगी, तो वन माइनस वन ज़ीरो आ जाएगा। जब मैं राइट हैंड साइड देखूंगा वन के तो इसमें डलेगी, तो वन का स्क्वायर इज़ वन। तो ये एल एच एल इज़ नॉट, एफ वन भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकालना है निकाल देना, इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल, सो एफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। ये मेरी इसकी कंटिन्यूटी की वो हो गई। देखो जी नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, एफ एक्स मुझे दिया हुआ है, अब ये कांस्टेंट फंक्शन है सारे, लेकिन बिहेव कैसे कर रहे हैं देखो, ज़ीरो से वन तक इट इज़ थ्री, ठीक है। तो पहला केस मेरा क्या बना कि ज़ीरो से वन तक ये जो है ये तीन है, राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री। इसके बाद सेकंड केस मेरा क्या बनेगा, सेकंड केस मेरा वन पॉइंट, जो मेरा पॉइंट है देखो वन पे है ना, वन पे ब्रेक हो रहा है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू वन मेरा ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इसके बाद वन से थ्री तक फिर कुछ नहीं उसने बिहेव करना, फिर कॉन्स्टेंट है वो, वन से लेके थ्री तक फिर कॉन्स्टेंट है वो, फोर आ रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर वो थ्री पे, फिर थ्री पे क्रिटिकल पॉइंट आ गया इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी, एक्स इज इक्वल टू थ्री पे फिर क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फिर तीन से दस तक कुछ नहीं होने वाला क्योंकि कांस्टेंट है फंक्शन। जब मैं तीन से लेके दस तक ले रहा हूँ, तीन पे छोड़ दो अभी, तो क्योंकि तीन का केस मैंने इधर इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पे फाइव है, तीन से दस तक कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे वन और थ्री पे है, बाकी पे कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ कॉन्स्टेंट है तो यहाँ कंटिन्यूस होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी। इसमें भी एफ इज कॉन्टिन्यूस आ गया, यहाँ पे भी एफ इज कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है। इसके बाद अब बचे दो केस, वन पे हमने ट्राई करना है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट वन है। अब लेफ्ट में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं निकालने लगूंगा तो एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव पे क्या है, ऊपर वाला केस है, वन से कम वाले में थ्री आ रहा फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, एफ की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, एफ एक्स की वैल्यू मेरी थ्री आ रही है। और राइट हैंड पे क्या आ रही है, राइट हैंड पे जैसे ही आप वन प्लस करोगे एफ एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, वन प्लस पे फोर आ रही है, तो फोर आ जाएगी जी। तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ही नहीं मिल रही है, एफ वन पे भी थ्री है क्योंकि इज इक्वल टू जो है देखो ये ऊपर है, एफ वन पे भी तीन है, तो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, तो एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक चीज़ ये आगे निकल के, ठीक है। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, अब मैं थ्री पे चेक करूँगा, तो जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा एक्स टेंड्स टू थ्री नेगेटिव की, तो थ्री नेगेटिव ऊपर है यानी कि फोर है, राइट, फोर है फंक्शन की वैल्यू, कॉन्स्टेंट की तो चेंज नहीं होने वाली। अब एक्स टेंड्स टू जब थ्री पॉजिटिव निकालूंगा तो थ्री पॉजिटिव इस केस में पड़ रहा है, ठीक है जी, तो फाइव आ गई मेरी यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू। एफ थ्री भी निकाल लेते हैं, एफ थ्री मेरी कहाँ से आएगी, नीचे से आएगी इस बार क्योंकि इक्वल टू का साइन नीचे है, तो ये फाइव आ गया। अब देखो लिमिट ही बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो दो पॉइंट पे मेरा वन और थ्री पे नॉट कॉन्टिन्यूस है, बाकी हर कहीं इट इज कंटिन्यूस, ये बनी इसकी कंटिन्यूटी। यहाँ पे हमारी एक छोटी सी एडिशन करनी है कि इक्वल टू का निशान, क्योंकि टेन पे यहाँ पे इक्वल टू का निशान आ रहा है। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। अब राइटिंग वाला पार्ट आप लोग अपने आप करोगे, ठीक है, मैं सिर्फ आपको मेन मेन चीजें बता रहा हूँ। अब इस पे भी देखो, जैसे ही आप केसेस कौन से लोगे, केसेस आपके वही बनने वाले हैं, एक्स इज लेस देन जीरो वाले बन जाएंगे। अब इस पे जीरो पे देखो चेंज हो रहा फंक्शन, तो क्रिटिकल पॉइंट मेरा एक जीरो आ गया, ठीक है जी। फिर जीरो से वन पे भी आप करोगे, जीरो से वन, और फिर एक क्रिटिकल पॉइंट वन आ गया, और एक फिर ग्रेटर देन वन आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट जो है दैट इज, अब एक क्रिटिकल पॉइंट मेरा जीरो आ गया और एक वन। अब जीरो से लेफ्ट में देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज टू एक्स, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कुछ होना ही नहीं वाला, कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी। जीरो से वन में जीरो है फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉन्टिन्यूस है। ग्रेटर देन वन में फोर एक्स है, पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस है, सिंपल।
जीरो पे है बस प्रॉब्लम। तो जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो लिमिट, कलर चेंज कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, तो जीरो नेगेटिव किस में डलने वाला है, देखो इधर डलने वाला है टू एक्स में, तो टू इंटू जीरो डालोगे तो जीरो आ जाएगा। जैसे ही आप जीरो पॉजिटिव लेंगे तो आपका इसमें डलेगी, जीरो में डलेगी, तो जीरो में तो कुछ नहीं होने वाला, चेंज जीरो ही रहेगी। और एफ ऑफ जीरो आप लेंगे वो क्या आएगी, तो भी देखो यहाँ से जीरो ही आने वाली है, जीरो ही आएगी। तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस इस पे भी आ गया, ठीक है। अब बचा ये x इज इक्वल टू वन पे, तो जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा x टेंड्स टू वन नेगेटिव, तो वन नेगेटिव पे देखो यहाँ से आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पे आएगी तो जीरो ही रहेगी। और जैसे ही मैं पॉजिटिव लूँगा एफ एक्स वन पॉजिटिव पे ग्रेटर देन वन पे, यहाँ फोर एक्स आ जाएगा, तो फोर इंटू वन फोर हो जाएगा जी, ठीक है। और एफ मेरा जो वन है वो भी मेरा एफ वन मेरा यहाँ से आएगा, दैट इज ऑल्सो जीरो, बट यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो गया। सो इट इज एफ इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। सिर्फ एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है, बाकी सब पे ये कंटिन्यूस आ रहा है। नेक्स्ट इज सिक्सटीन्थ क्वेश्चन। अब सिक्सटीन्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, फिर से एक्स दे दिया। अब क्रिटिकल पॉइंट देखो, बाकी में पॉलिनोमियल है, केसेस कौन से बनने वाले हैं, वही एक क्रिटिकल पॉइंट्स पहले देख लो। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स ही देखने आने चाहिए हमें। एक तो माइनस वन है मेरा क्रिटिकल पॉइंट, लेफ्ट में ये है राइट में ये है, उसके बाद वन है मेरा क्रिटिकल पॉइंट, तो दो मेरे क्रिटिकल पॉइंट है, बाकी पे सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि कॉन्टिन्यूस है। एक्स इज लेस देन माइनस वन लूँगा, एफ एक्स मेरा माइनस टू है, कॉन्टिन्यूस सीधा। इसके बाद एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट में जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा एक्स टेंड्स टू माइनस वन नेगेटिव, तो माइनस वन से नेगेटिव मेरा माइनस टू आ रहा है, देखो फंक्शन ऊपर वाला यहाँ डलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो माइनस टू ही रहेगा। अब जैसे ही मैं इसकी राइट हैंड लिमिट लूँगा एक्स टेंड्स टू माइनस वन का पॉजिटिव, तो माइनस वन की राइट हैंड साइड इधर से डलेगी, टू एक्स आ रहा है, तो टू एक्स में जैसे ही आप वन डालोगे, माइनस वन डालोगे सॉरी, तो माइनस टू आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद मैं एफ ऑफ माइनस वन निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ माइनस वन देखो मेरा इज इक्वल टू का निशान ऊपर है तो यहाँ डलेगा, ठीक है जी, तो माइनस टू ही रहेगा ये, तो ये मेरा एफ कॉन्टिन्यूस आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा केस बनेगा दैट विल बी एक्स एस, ये तीसरा वाला केस कि माइनस वन से वन तक, तो इसमें मेरा फंक्शन टू एक्स है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस रहेगा। इसके बाद अगला केस मेरा x इज इक्वल टू वन पे चेक करेंगे। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस पर मैं जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा x टेंड्स टू वन नेगेटिव, तो वन नेगेटिव वन से छोटा इधर डलेगी, तो टू एक्स में डलेगी बेसिकली, तो टू एक्स में डल जाएगी, तो अब टू आ जाएगा वन डल के। जैसे ही मैं राइट हैंड लिमिट लूँगा इसकी, तो वन पॉजिटिव मेरी इसमें डल के आएगी राइट हैंड लिमिट, तो टू में ही डलेगी, तो टू ही रहेगा, कॉन्स्टेंट है क्योंकि। और f1 मेरा किस में डलेगा जी, इज इक्वल टू का निशान ऊपर है तो f1 इसमें डलेगी, तो 2x में ही डलेगी, तो बेसिकली 2 ही आ जाएगा। तो अब तीनों बराबर आ गया, तो f कॉन्टिन्यूस हो गया यहाँ भी, तो फिलहाल तो कहीं आया नहीं, तो आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट केस बचा x ग्रेटर देन 1, उसमें तो फंक्शन 2 है मेरा, तो दैट इज़ कॉन्टिन्यूस, तो ये तो कहीं भी डिसकन्टिन्यूस नहीं है, एवरीवेयर इट इज़ कॉन्टिन्यूस। 17th देखो क्या बोल रहा है, 17th कह रहा है जी फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, आपको ए और बी के बीच में रिलेशनशिप ढूंढनी है। सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये दिया हुआ है इसने, ठीक है जी, इज कंटिन्यूस एट 3, तो इसने कॉन्टिन्यूस बोल दिया, वैसे भी क्रिटिकल पॉइंट 3 ही है, तो उसने कॉन्टिन्यूस बोल ही दिया। तो कॉन्टिन्यूस में सीधा सीधा वैल्यू क्या आएगी, सीधी सी बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वो बराबर आएगा, तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगी मेरी, लिमिट एक्स टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री नेगेटिव, ठीक है जी, तो इसमें क्या आने वाला है मेरा, यहाँ पे एफ एक्स देखो थ्री नेगेटिव में मेरा क्या आने वाली है, यहाँ से आएगी ए एक्स वन, तो ए एक्स प्लस वन, ठीक है, ये किसके बराबर होने वाली है, ये मेरी राइट हैंड के बराबर होने वाली है, एक्स टेंड्स टू थ्री पॉजिटिव, और थ्री पॉजिटिव यहाँ से आएगा,
तो फंक्शन है बी एक्स प्लस थ्री और इज इक्वल टू एफ सी भी होने वाली है, यानी कि एफ थ्री भी होने वाली है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो मेरी क्या है, जैसे ही मैं थ्री डालूंगा इसमें तो थ्री ए प्लस वन आ जाएगी। इधर से मेरा क्या आने वाला है, इधर से मेरा थ्री बी प्लस थ्री आने वाला है। और एफ थ्री क्या है, एफ थ्री भी मेरा देखो यहीं से इज इक्वल टू का निशान है, तो वो भी मेरा थ्री ए प्लस वन आने वाला है। तो बेसिकली दो को इक्वेट करके ही काम चला लेते हैं, तो थ्री ए प्लस वन इज इक्वल टू थ्री बी प्लस थ्री, तो थ्री ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू टू। तो ये मेरी रिलेशनशिप आ गई, क्योंकि उसने क्या मांगा था, उसने सिर्फ रिलेशनशिप ही मांगी थी। नेक्स्ट इज एटीनथ क्वेश्चन। एटीनथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ये जो दिया हुआ है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फर्स्ट पार्ट है कि वो कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, एक्स जीरो पे लैम्डा की किस वैल्यू के लिए वो कंटिन्यूअस है, तो हम कंटिन्यूअस पहले ही मान के चल पड़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जीरो पे हमारी सेम होनी चाहिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी जो होगी, और जीरो मेरी लेफ्ट हैंड पे ये लूँगा मैं वैल्यू, ठीक है, क्या आएगी लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स पे से इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, और जीरो के राइट हैंड में यहाँ पड़ेगी, जैसे जीरो से बड़ा होगा फंक्शन फोर एक्स प्लस वन हो जाएगा, राइट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो ये मेरी कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन आ गई। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जीरो डालूंगा तो क्या आने वाला है जी, यहाँ तो जीरो डालते ही सब कुछ जीरो होने वाला है, तो ये तो जीरो होने वाला है। इधर जैसे ही मैं जीरो डालूंगा तो यहाँ पे वन आने वाला है, ठीक है, और इधर मैं कुछ डालूंगा एफ जीरो तो भी क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है, तो इसको तो डालने की जरूरत है ही नहीं। अब आप देखो, क्या जीरो कभी वन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी लैम्डा की वैल्यू के लिए यह ट्रू नहीं होने वाली सिचुएशन, ठीक है। सो आंसर क्या हुआ, सो फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो किसी भी वैल्यू के लिए यह कॉन्टिन्यूस नहीं होने वाला लैम्डा की। नेक्स्ट पार्ट वो कह रहा है व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू वन। अब वन के लिए तो मेरे को लगता ही नहीं कोई प्रॉब्लम है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके केसेस बनाओगे तो कितने केसेस बन रहे हैं, एक एक्सिस लेस देन जीरो का बन रहा है, एक एक्सिस इक्वल टू जीरो का बन रहा है, और एक एक्सिस ग्रेटर देन जीरो का बन रहा है। अब एक्स इज इक्वल टू वन के केस तो इसमें पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है, ग्रेटर देन जीरो जो है, एक्स इज इक्वल टू वन इसमें आएगा, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, वो दैट विल ऑलवेज रिमेन फोर एक्स प्लस वन। अब ये पॉलिनोमियल है, इट इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एवरी, अब लैम्डा का कोई असर ही नहीं पड़ेगा इसमें, पॉलिनोमियल है ऊपर लैम्डा जो मर्जी उतरो, तो इसमें क्या हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है जी, समझ आ गया सबको। अगला 19th क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, हेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, डेफिनेशन दे दी उसने, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हर इंटीग्रल, मतलब हर इंटीजर पे ब्रेक करता ही करता, ठीक है ना, तो इसको भी हम वैसे ही कर देंगे। अब शो कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा, अब इसको हर इंटीजर पे एक रैंडम इंटीजर सी ले लेते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं लेट सी बी एन इंटीजर, एक इंटीजर ले लिया मैंने रैंडम सी को। अब जी एक्स क्या है मेरा, जी एक्स इज जी एक्स इज एक्स माइनस दिस। अब इसको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव,
अब जब मैं सी नेगेटिव लूंगा तो मैं इसको एफ एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ जी, मैं इसे लिमिट एच की उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ एच टेंड्स टू जीरो में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी माइनस एच आ जाएगा। तो सी माइनस एच एक्स की जगह माइनस सी माइनस एच अंदर भी राइट। अब इसने क्या निकल के आना है जी, इसने निकल के आना है एच को आपने ज़ीरो डाल देना है, एच को आप ज़ीरो डालेगा तो सी यहाँ पे निकल आएगा। अब सी और अंदर से सी माइनस एच क्या निकल के आएगा, यहाँ से तो देखो सीधा का सीधा सी निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, जैसे ही मैं सी में से थोड़ा सा कम करूँगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, पहले भी हमने देखा था सी माइनस वन हो जाता है। तो दैट मीन्स सी माइनस सी प्लस वन और सी कैंसल आउट, ये वन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड में क्या करेंगे हम, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो जैसे ही मैं इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव निकालूंगा तो क्या बन जाएगी जी, ये लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो कर देता हूँ मैं तो सी प्लस एच आएगा माइनस सी प्लस एच। अब आपको पता है इसने तो क्या बनना है, इसने तो सी ही बन जाना है, एच ज़ीरो आ जाएगा। अब सी में आप थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सी खुद ही रहेगा, तो सी माइनस सी आपका ज़ीरो आ गया, लिमिट ही मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो ये तो मैं बिल्कुल क्लियर है। और अगर तीसरा भी आप निकालना चाहो तो आप तीसरा भी निकाल सकते हो, और तीसरा क्या निकल के आएगा एफ ऑफ सी, तो उसने क्या आना है सी माइनस सी, तो इसने भी क्या निकल के आना है सी माइनस सी ज़ीरो ही आ जाना है। ठीक है, तो एक चीज़ मेरे पास ये हो गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू। सो इन तीनों से क्या निकल के आता है, इन तीनों से यही निकल के आ रहा है दैट एफ इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, एट एवरी इंटीजर सी, एट एवरी इंटीजर जो यहाँ हमने सी लिया। क्लियर है जी सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। पाई पे बताना हमें, लेकिन इसने मिक्स कर दिया, इसने ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दिया और पॉलिनोमियल भी डाल दिया, तो मैं किसी के साइड का नहीं रहा, तो हम कैसे क्वेश्चंस का करेंगे, हम इसे नॉर्मल सा लेके लेफ्ट और राइट दोनों ट्राई कर लेते हैं। और इसमें अगर मैं पाई पे ट्राई करूँगा तो मैं क्या ट्राई करूँगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस, है ना, तो पाई माइनस अगर करूँगा इसे मैं तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री में तो डायरेक्ट मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वैसे तो मुझे पता है देखो एक्स स्क्वायर भी पॉलिनोमियल है, साइन एक्स भी पॉलिनोमियल है और फाइव कॉन्स्टेंट है, तो तीनों अलग अलग कंटिन्यूस आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका प्लस माइनस कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो लेट अस सी की मिल के वही चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एफ एक्स डाल देता हूँ पाई माइनस में तो मैं इसको लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो डाल देता हूँ और हर जगह मैं पाई माइनस एच डाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा जी पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स की जगह पाई माइनस एच प्लस फाइव, तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, एच को ज़ीरो डालोगे तो ये पाई बच जाएगा, तो ये पाई स्क्वायर आ जाएगा सिर्फ। इधर भी मैं एच को ज़ीरो डाल सकता हूँ और अदरवाइज आप खोल भी सकते हो साइन है कॉस भी, उससे भी एक ही चीज़ आने वाली है, तो यहाँ पर भी आपका माइनस साइन पाई निकल के आएगा। ठीक है, प्लस फाइव, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो और यहाँ पे पाई प्लस एच हो जाएगा माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस फाइव, तो इसने भी वही निकल के आना है। यहाँ से देखो एच को ज़ीरो डालते ही पाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे आप खोल लो चाहे चाहे यहीं एच को ज़ीरो डाल लो, दोनों से एक ही चीज़ निकल के आएगी। फॉर्मूला खोल के लिखना, ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छा लगेगा, मार्क्स उसमें बढ़िया मिलेंगे। तो प्लस फाइव और बस सेम आ गया, अब एफ ज़ीरो रह गया निकालना मेरा, बस एफ ज़ीरो नहीं सॉरी एफ पाई, एफ पाई जैसे मैं निकालूंगा तो डायरेक्ट बस मुझे डालना ही है साइन पाई प्लस फाइव। तो अब इसमें साइन पाई की आप वैल्यू भी डाल सकते हो जो कि क्या है
साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है ना। तो यहाँ से भी बेसिकली क्या निकल के आ रहा है, पाई स्क्वायर प्लस फाइव। यहाँ से भी क्या निकल के आ रहा है, पाई स्क्वायर प्लस फाइव, और सिमिलरली यहाँ से भी पाई स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है जी, तो मेरी सारी जो है मैच कर गई हैं। आप उसको एक लाइन एक्स्ट्रा लिखोगे मैचिंग वाली, जैसे लिखते हो, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ कि तीनों मैच कर रही हैं मेरी, और बस मेरा एफ इज कॉन्टिन्यूस आंसर बन गया। सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो मैंने जो शुरू लगाया था कि अगर मैं इसको तीन हिस्सों में तोड़ लूँ कि जी एक्स, जी भी कॉन्टिन्यूस है, एच भी कॉन्टिन्यूस है, और कोई और फंक्शन इसे मान लो एस मान लो, वो भी कॉन्टिन्यूस है, तीनों का सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा, मैंने ये इंट्यूशन लगाई थी। ठीक है जी, तो वो बिल्कुल करेक्ट आई हमारी निकल के, ये हमें हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज 21st क्वेश्चन। तो 21st क्वेश्चन में देखो, डिपेंड करता है आपका कि कितने मार्क्स का आया, मार्क्स के हिसाब से आप अटेम्प्ट करोगे इसे। कैसे, जैसे अब आपको अगर ये सिर्फ दो मार्क्स का आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली क्या बोलोगे कि साइन एक्स जो है आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस है, आपको प्रूव करना भी आता है सी प्लस एच और सी माइनस एच से, है ना। ऐसे ही जी अगर मैं कॉस एक्स ले लूँ तो ये भी मेरा मुझे प्रूव करना आता है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं कहूँगा कि एफ अगर कंटिन्यूस है, राइट, जी अगर कंटिन्यूस है जो हमें प्रूव भी करना आता है, ओके, तो इसके बाद एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, यही थ्योरम पढ़ी थी हमने, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा। तो ये ए पार्ट है, देखो बड़े यार ध्यान से, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। तो अगर कम मार्क्स का आया तो हम ऐसे कर सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स का आया तो आप इसको एफ को और जी को कंटिन्यूस प्रूफ करके दिखाओगे, साइन एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ करके दिखाओगे, कॉस एक्स को। ठीक है जी, साइन एक्स को हम कंटिन्यूस प्रूफ कर चुके हैं, कॉस एक्स को हम बड़े आराम से कर सकते हैं कंटिन्यूस प्रूफ। ठीक है, तो सेम वही मेथड है सी प्लस एच वाला। तो आप, ये आपका होमवर्क है, आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या बोलता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट फंक्शंस। ठीक है जी, तो आपको ये क्लियर है, देख के ही पता चलना चाहिए। साइन का हमने एग्जांपल में बड़े आराम से देखा था, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, कोसाइन भी कॉन्टिन्यूस ही होगा, कहीं पे नहीं टूटता इसका ग्राफ। कोसिकेंट का ग्राफ जो है ये टूटता है, ठीक है, सिकेंट का भी टूटता है, कोटेंजेंट का भी टूटता है, तो ये डिसकंटिन्यूस आने वाले ग्राफ से ही आपको वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं, कॉस मेरा कंटिन्यूस है, बिल्कुल दिख रहा है मुझे, कोसिकेंट क्या होता है, वन ओवर साइन, तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एन पाई के ऊपर ये इसकी कंटिन्यूटी टूटेगी। जो सिकेंट है, सिकेंट इज वन ओवर कॉस, मतलब टू एन प्लस वन पाई बाय टू, नीचे पाई बाय टू का कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, उस पर कंटिन्यूटी टूटेगी। और कॉट में आपका कॉस ओवर साइन होता है, तो नीचे साइन आ गया, तो इसका मतलब एन पाई पे टूटेगी इसकी कंटिन्यूटी, क्योंकि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तो देखो मेरे को देखते ही पता होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। ठीक है, अब रही बात प्रूफ करने की, तो प्रूफ करने में मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने साइन का एग्जाम्पल उसमें किया था, एग्जाम्पल में कोसाइन का ले लेते हैं यहाँ पे। कोसाइन को आप कैसे करेंगे प्रूफ, भाई एफ एक्स सपोज मेरा कॉस एक्स है, राइट, अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड जब निकालने लगा हूँ तो एक्स टेंड्स टू किस पे निकालते हैं, सी पे निकाल लेते हैं। अब इसमें आपने दो लाइनें लिखनी है, और वो क्या लिखनी है दो लाइनें, कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, है ना, एनी रियल नंबर। और लेफ्ट हैंड के केस में हम क्या करते हैं, एक्स माइनस सी, मतलब हम क्या करते हैं, सी माइनस एच को एक्स पुट कर देते हैं, ठीक है जी, या एक्स माइनस सी को एच पुट कर देते हैं, जो आपको ठीक लगता है आप वो लिख सकते हो, राइट। अब इसमें क्या होगा कि अब मेरा यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, और उसके बाद इज इक्वल टू, मैं इसको एच में कन्वर्ट कर दूंगा, जैसे ही एच टेंड्स टू एक्स टेंड्स टू सी करेगा तो एच मेरा जीरो हो जाएगा। ये हम यहाँ चेक कर सकते हैं, जैसे ही एक्स देखो सी को टेंड कर रहा है, एच मेरा जीरो को टेंड करता है। ये आप लिखोगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा सी वाले केस में हमेशा लिखना, इज इक्वल टू। अब इसमें आगे क्या होगा जी, एफ एक्स क्या है मेरा, यहाँ पे कॉस एक्स है,
तो कॉस में एक्स की जगह क्या डलेगा, एक्स की जगह सी माइनस एच डलेगा, ठीक है जी। तो इसमें मैंने गड़बड़ कर दिया आई थिंक सो, सी माइनस एच एक्स की जगह डलेगा ना, सी माइनस एच, यहाँ पे सी प्लस एच आ रहा, तो ये क्या गड़बड़ करी है मैंने, आप इसको एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच ये लिखो, बेटर ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा कि अब इसमें हम इसे खोल लेंगे, फॉर्मूला लगा लो, और फॉर्मूला नहीं लगाना आपने तो एच को जीरो डाल दो, वैसे फॉर्मूला लगाओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लिखने का तरीका वही होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है जी। अब इसमें आप एच को जीरो डाल दो क्योंकि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो तो है ही है इसमें, आप जैसे जीरो डालोगे तो ये पोर्शन वन बन जाएगा, ये पोर्शन जीरो बन जाएगा, तो बेसिकली क्या आएगा, कॉस सी ही आने वाला, आप ऊपर भी एच को जीरो डालते देखो तो कॉस सी ही बचने वाला था, ठीक है जी। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, ठीक है, तो एफ एक्स में डालेंगे, अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब आप लिख सकते हो, ठीक है, एक्स को हम क्या डालेंगे, सी प्लस एच, वही आप पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी प्लस एच। तो इससे भी आप फॉर्मूला खोल के लिखेंगे तो देखो यहाँ जीरो डालोगे तो कॉस सी ही आने वाला है, आप फॉर्मूला पूरा खोल के लिख देना, ठीक है जी, जैसे यहाँ लिखा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों कॉस सी आने वाले हैं। अब तीसरी आइटम मुझे फंक्शन की वैल्यू देखनी है, तो फंक्शन की वैल्यू सी पे क्या है जी, फंक्शन की वैल्यू कॉस सी है सिंपल, तो ये भी मेरी बराबर आ गई, तो तीनों ही केस बराबर आ गए, दैट मीन्स एफ इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब सी तो सारा रैंडम नंबर है तो इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो एफ इज कंटिन्यूस, सिंपल सा आ गया, ठीक है जी, समझ आ गया आपको सबको। अब क्या करना है, अब बस एफ जी लगाई जाने है। अब एफ जी कैसे लगाने हैं आपने, अब आपको पता है कोसेकेंट के लिए वन ओवर साइन है, अब साइन को भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं, मैं कर देता हूँ नीचे, कोसेकेंट सेकेंट और कॉट का बताना है। तो जब मुझे एफ एक्स कोसेकेंट दिया हुआ है, ठीक है जी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन ओवर साइन एक्स, अब क्लियर है मुझे, देखो ऊपर भी मेरा कंटिन्यूस है, वन इज कंटिन्यूस, और नीचे भी मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है, तो जब मैं वन ओवर एफ लिखो या आप रेसिप्रोकल भी कर दोगे तो भी कंटिन्यूस रहेगा, कंडीशन सिर्फ एक है, कंडीशन क्या है कि साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई, तो एफ इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट वेन एक्स इज मल्टीपल ऑफ, वेन एक्स इज इक्वल टू, एक्सेप्ट डाल दिया आपने, वेन एक्स इज इक्वल टू एन पाई, इसके अलावा हर कहीं कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है जी। सेकेंड एफ एक्स क्या था मेरा, सेकेंड एक्स, ये भी बड़ा सिंपल है, वन ओवर कॉस, अब कॉस एक्स तो हमें पता है तो वन भी कॉन्टिन्यूस है और कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, इसका क्या मतलब हुआ, ये भी वन ओवर एफ टाइप का बन गया, बस अब क्या है कि कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, पाई बाई टू पे मल्टीपल पे नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या निकल के आया जी, इससे यही निकल के आया कि एफ इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू, पाई बाई टू के मल्टीपल्स के अलावा हर कहीं है कंटिन्यूस है। तीसरी अब क्या लिखेंगे हम, इसके बाद हम लिखेंगे जी कि मेरा एफ एक्स कॉट था, तो कॉट एक्स जब होगा आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, ठीक है, तो ये क्या आ गया, अब एफ भी कॉन्टिन्यूस है, जी भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो दोनों का डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस, कंडीशन क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूस, कंडीशन इज
दैट जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जी जब जीरो नहीं होगा कब नहीं होगा, जब साइन एक्स जीरो नहीं होगा। और साइन एक्स कब जीरो नहीं होगा, ऊपर हमने देखा जब ये एन पाई के बराबर नहीं होगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या है कि एफ बाय जी यानी कि, अच्छा एफ नहीं लेते, एफ हमने यहाँ लिया हुआ ऑलरेडी, तो हम इसको कोई और ले सकते हैं। ऊपर भी मैंने एफ रिपीट कर दिया, आप उसे एच कर सकते हो या कोई और कर सकते हो। ठीक है, एफ को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो एफ एक्स, इसको बेटर है मैं करेक्ट ही कर देता हूँ एरर को ताकि गलती हो ही ना। यहाँ एच ले लो, यहाँ पे जी ले लो। ठीक है, एफ तो क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, इधर भी जी ले लो। इसमें एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एवरीवेयर एक्सेप्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ये तो ये क्वेश्चन हो गया। अब टेन का भी इतना ही सिंपल है, एग्जाम्पल में भी था। अगर मैं एक्स्ट्रा आपको डाल दूं एफ एक्स टेन का है तो लगे हाथ सारी पूरी हो जाएंगी। तो ये साइन ओवर कॉस होगा, तो जब ये साइन ओवर कॉस होगा, अब दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, तो दो का जो कॉन्टिन्यूअस है जी ओवर एच जो है दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, सिर्फ एच जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो मतलब कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। और कॉस एक्स कब जीरो नहीं होगा, जब वो पाई बाय टू का मल्टीपल हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपके सारे की सारी ट्रिग्नोमेट्री के कंटिन्यूटी के वो कर दिए। ठीक है जी, समझ आ गया आपको सबको। 23rd क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वन। तो सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं मुझे। तो केस मेरे कितने बनेंगे, तीन ही केस बनेंगे। एक तो x इज लेस देन जीरो बनेगा, एक जीरो पे क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है मुझे, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन जीरो। तो लेस देन जीरो पे मेरा फंक्शन जो है एफ एक्स वो है दैट इज साइन एक्स ओवर x, राइट। अब ये फंक्शन को मैं इसमें रैंडम नंबर कोई c ले लेता हूँ, c इज लेस देन जीरो, क्योंकि वैसे तो आपको पता है लिमिट अगर निकालेंगे जीरो पे तो वन आती है ना, लेकिन जीरो पे लिमिट है नहीं है, जीरो से कम की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए मैं डायरेक्ट वो नहीं लगाऊंगा इस पे, मैं इस पे सी लगा लूँगा। ठीक है जी, तो मैं बोलूँगा लेट सी बी एनी रियल नंबर लेस देन जीरो। तो मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या हो जाएगी, एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, तो एफ एक्स मेरा जो होगा ये किस में मेरा कन्वर्ट होने वाला है जी, ये मेरा आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सॉरी एच आ जाएगा, एच में कन्वर्ट कर लो जीरो, और एफ एक्स में मेरा सी माइनस एच होगा, नीचे भी सी माइनस एच। ठीक है, अब सी क्या है, सी इसमें चलो सी इसमें कुछ भी आएगा, तो ये यहाँ पे एच को जैसे जीरो डालेंगे सी अभी मैं कुछ नहीं ले सकता, नेगेटिव नंबर है, तो साइन सी ओवर सी आ गया, एच को जीरो डालते हैं यहाँ पे साइन सी ओवर सी। अब देखो ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, साइन सी ओवर सी कितना होगा मेरा, वन हो जाएगा, साइन सी ओवर सी मेरा वन हो जाएगा क्योंकि मेरा एच टेंड्स टू जीरो है। इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि एच टेंड्स टू जीरो है इसलिए वन नहीं मैं इसे डाल रहा, इसको मैं फिलहाल यहीं छोड़ रहा हूँ। अब इसी की अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालने लगूँ तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव लेंगे हम, तो एफ एक्स की क्या हो जाएगी जी, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो कर देंगे तो यहाँ पे साइन सी प्लस एच आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी सी प्लस आ जाएगा और ये भी निकल के साइन सी ओवर सी ही आ गई। ठीक है, अब तीसरी चीज़ जो मैं लेने वाला हूँ वो क्या लेने वाला हूँ, मैं वो फंक्शन की वैल्यू लेने वाला हूँ मैं,
एफ सी आप देखेंगे वो तो साइन एक्स ओवर एक्स है ही है, तो वो भी साइन सी ओवर सी आ गया, तो तीनों ही साइन सी ओवर सी आ गई। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज कि एफ इज कंटिन्यूस, ठीक है, एट सी लेस देन जीरो पे, या एक्स लेस देन जीरो पे। तो ये हमारा एक सेट तो क्लियर है। नेक्स्ट अब हमने कहाँ चेक करना है जी, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक करना है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मेरा सेकेंड केस है, हम वो चेक कर रहे हैं। फर्स्ट केस हम चेक कर चुके हैं कंटिन्यूस का, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो बहुत ही आसान है, पहले अगर आप इसको करना चाहें तो ये तो यहीं हो जाएगा राइट में ही, कि ग्रेटर देन जीरो में एफ एक्स क्या है आपका, एक्स प्लस वन है, पॉलिनोमियल है चुपचाप आपका, ठीक है जी, आपका है ग्रेटर देन जीरो में चुपचाप ये कॉन्टिन्यूस आ गया, क्लियर है। अब रही बात x इज इक्वल टू जीरो का, तो अब x इज इक्वल टू जीरो पे जब मैं लेफ्ट हैंड लूंगा, देखते हैं इसमें क्या आता है, x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, इसमें भी मैं वही लगाऊंगा कि लिमिट h में कन्वर्ट कर लेते हैं, h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे क्या आप जीरो साइन एक्स की जगह आएगा जी जीरो माइनस एच, क्योंकि अब सी क्या है, सी जीरो है, ओवर नीचे भी क्या आएगा जी सी माइनस एच। अब ये क्या होगा, अब आप एच को क्या करेंगे, अब आप एच को डालो कि नहीं डालो, जीरो माइनस एच करेंगे तो ये मेरा ऑलरेडी क्या आ रहा है, ये मेरा साइन ऑफ माइनस एच आ रहा है, ओवर माइनस एच आ रहा है, तो जब एच टेंड्स टू जीरो है तो ये वन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर आपको। अब इसके बाद जैसे ही मैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव लाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन x की जगह जीरो प्लस h डलेगा, और नीचे भी जीरो प्लस h डलेगा, अब ये भी साइन h ओवर h आ जाएगा। अब मैं वन क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि हमने इलेवेंथ में पढ़ा था कि जब लिमिट निकालते हैं हम और h टेंड्स टू जीरो होता है, h टेंड्स टू जीरो और वही साइन h ओवर h हो तब वन आता है। यहाँ पे साइन सी ओवर सी में एच टेंड्स टू जीरो था, लेकिन यहाँ सी था इसलिए मैं नहीं एकदम इसको वन लिख पाया, इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ा, लेकिन यहाँ पे साइन एच ओवर एच है वन, ऊपर भी साइन माइनस एच ओवर माइनस एच है वो भी वन, ठीक है जी। अब मैं एफ जीरो निकाल लेता हूँ एक, बस एफ जीरो पे क्या है, एक्स प्लस वन है, तो जीरो प्लस वन कितने हो जाएगी जी, वन हो जाएगा। अब ये तीनों मैच कर गए, दैट मीन्स एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो तीनों पे कॉन्टिन्यूस है, हमने सारा देख लिया कि हर जगह ये कॉन्टिन्यूस है, दैट मीन्स इट इज़ कॉन्टिन्यूस एवरी वेयर। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है, कोई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, कॉन्टिन्यूस एवरी वेयर इन डोमेन, यानी कि जो दिया गया है, डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, और ये क्या बोलता है, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय दिस फंक्शन जो इसने दिया हुआ नीचे इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, आपको बताना है क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं हमें क्या समझ आ रहा है, जब जीरो है फंक्शन तो जीरो लेगा वैल्यू, और जीरो के अलावा ऊपर वाली एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एक्स लेगा। चलो जी देखते हैं इसमें, तो केस इसमें सिंपल से तीन ही बनने वाले हैं, लेस देन जीरो राइट, एक ही बनेगा बेसिकली, क्रिटिकल पॉइंट ही बोल रहा हूँ, है ना, तीन हम बना लेते हैं, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, और लेस देन जीरो बना लेते हैं, इज इक्वल टू जीरो बना लेते हैं, और ग्रेटर देन जीरो, यही बनता है, इसके अलावा तो और कुछ बनता नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जीरो पे ही सबसे पहले अगर चेक कर दूँ तो क्या होगा, चलो एक काम करते हैं, अपना नॉर्मली करते हैं, यहाँ पे लेस देन जीरो वाला चेक करते हैं। तो लेस देन जीरो वाला जब मैं केस चेक कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एफ एक्स जो है दैट इज एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स। अब ये फंक्शन इतना सिंपल सा नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। अब मेरा क्योंकि साइन वन बाई एक्स भी है और एक्स स्क्वायर भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और पॉलिनोमियल भी है, अब मैं सी वाली हेल्प लेने वाला हूँ, तो मैं लेट सी इज़ लेस देन ज़ीरो लेके बी एनी रियल नंबर, या फिर लिखेंगे लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है जी, लेस देन ज़ीरो है, तो इसमें अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसमें निकालूंगा, रैंडम है क्योंकि लिमिट निकालने लगे हैं, तो अब मैं लेफ्ट हैंड अगर लिमिट निकालूंगा तो क्या चीज़ आएगी मेरी, x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स, जो किसके बराबर होती है, लिमिट
एच टेंड्स टू ज़ीरो, और यहाँ पे सी माइनस एच ले लूँगा मैं, तो सी माइनस एच का होल स्क्वायर साइन वन ओवर सी माइनस एच। तो ये समझते हैं जी इसमें क्या आएगा हमारा, एच को अगर मैं ज़ीरो कर दूँगा तो सी स्क्वायर, और साइन में अगर एच ज़ीरो हो जाएगा तो साइन वन बाय सी आएगा, इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अभी, ठीक है। अब इसमें अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो राइट हैंड लिमिट मेरी क्या आने वाली है, एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव में एफ एक्स में लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो ले लेते हैं और सी प्लस एच डाल देते हैं एक्स की जगह, और साइन वन ओवर सी प्लस एच। ओके, तो इसमें भी एच ज़ीरो आएगा तो सी स्क्वायर साइन वन ओवर सी ही बन गई। तीसरी चीज एफ सी निकाल देते हैं तो वो एक्स स्क्वायर था और साइन वन ओवर एक्स था, तो देखो तीनों चीज़ें मेरी बराबर आ रही हैं, दिस दिस एंड दिस, तो दैट मीन्स एफ इज कंटिन्यूस कहाँ पे, एक्स इज लेस देन ज़ीरो के केस में। अब सिमिलरली यही सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ आप किस में एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो में कर सकते हैं, सेम एज एक्स टेंस टू लेस देन ज़ीरो में। तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है क्योंकि फंक्शन ने तो यही रहना है, तो ये उसमें भी कॉन्टिन्यूस ही 100% आएगा। तो ये आप होमवर्क है, आप चेक कर सकते हैं, इसे डाउट आएगा अगर चेंज आया किसी का तो मेरे साथ डिस्कस करना। अब रह गया मेरा क्रिटिकल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो में आप क्या करेंगे, अब राइट और लेफ्ट में चीज़ें बदल जाएंगी, राइट। तो ऊपर देखो ज़ीरो पे डिफाइंड क्या है, ज़ीरो, तो पहली चीज़ है एफ ज़ीरो तो ज़ीरो है, और इसके बाद अगर मैं लेफ्ट निकालने लगता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव, एफ एक्स मेरा क्या बन जाएगा जी, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे आएगा ज़ीरो माइनस एच का स्क्वायर इंटू साइन वन ओवर ज़ीरो माइनस एच, ठीक है। इसको हम अलग कर लेते हैं, तो अब ये एच ज़ीरो डालेंगे इधर तो ज़ीरो, अब ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आएगा, ये पोर्शन देखो ये ज़ीरो बन जाएगा, मेरे को राइट में साइन को सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि जैसे ही ये ज़ीरो होगा मल्टीप्लाई बाय साइन वन ओवर माइनस एच हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एच जितना मर्जी छोटा है ज़ीरो के पास अप्रोच कर रहा है, कुछ तो बनेगा ना, तो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके ज़ीरो, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ इसकी राइट निकाल लेते हैं, तो राइट निकालने से क्या आ रही है एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स, तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, अब यहाँ पे ज़ीरो प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा साइन वन ओवर ज़ीरो प्लस एच, यहाँ भी सेम केस है ये ज़ीरो बन जाएगा तो ये भी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब तीनों चीज़ें मेरी ज़ीरो आ रही है, दैट मीन्स एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो तीनों जगह कॉन्टिन्यूस हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन मेरा फुली कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर। हमारा क्या निकल के आ रहा है, एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर जहाँ भी उसने दिया हुआ, राइट। नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है जी, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, वही चीज़ है कंटिन्यूटी करनी है हमने, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वही तीन केस बनेंगे, ठीक है। तो साइन लेस देन ज़ीरो ज़ीरो, एक्स इज लेस देन ज़ीरो का केस, इज इक्वल टू ज़ीरो का केस और ग्रेटर देन ज़ीरो का केस। अब लेस देन ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो में तो फंक्शन मेरा सेम है, और वो क्या है, वो मेरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। इसमें आप सी लेके बहुत ही आराम से कर सकते हो, सी प्लस एच सी माइनस एच लोगे, दोनों से क्या दिख रहा है जी, आप इसे सी को लेस देन ज़ीरो लेके सी माइनस एच और सी प्लस एच और एफ सी निकालोगे, तीनों के तीनों साइन सी माइनस कॉस सी आ रहे हैं। अब आपका ये एक्सपीरियंस आपको भी दिख रहा है कि यही आएगा, और राइट हैंड साइड में एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो में जब सी ग्रेटर देन ज़ीरो लोगे तो यहाँ पे भी सब कुछ साइन सी माइनस कॉस सी ही आएगा। तो ये आप अपना पूरे प्रॉपर सी प्लस एच सी माइनस एच से प्रूव कर लेना। अब जहाँ मेन एक ही पॉइंट में फंसता है वो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि लेफ्ट में फंक्शन अलग बिहेव करेगा राइट में अलग और वैसे अलग करेगा। अब यहाँ पे मेरा एफ ज़ीरो जो है दैट इज़ सॉरी ज़ीरो नहीं माइनस वन,
माइनस वन है मेरा जीरो का फंक्शन। अब यहाँ पे मैं लिमिट चेक करता हूँ, एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव पे, तो यहाँ पे जब मेरा एफ एक्स है वो मेरा अब एच टेंड्स टू जीरो बन जाएगा। और यहाँ मैं एक्स को क्या पुट कर रहा हूँ जी, यहाँ मैं जीरो माइनस एच पुट कर रहा हूँ, तो मेरा आ जाएगा साइन जीरो माइनस एच माइनस कॉस जीरो माइनस एच, ठीक है जी। अब एच को जीरो पुट कर लो, साइन जीरो तो जीरो ही रहने वाला है, और माइनस कॉस जीरो वन होता है, तो ये माइनस वन आने वाला है, ठीक है। अब मैं राइट हैंड लिमिट ट्राई करता हूँ, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा जी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन जीरो प्लस एच, अब माइनस कॉस जीरो प्लस एच। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जैसे ये चीज़ जो है, ये तो एच जीरो अप्रोच कर रहा है, जीरो हो जाएगी, ये वन फिर से माइनस वन, तो मेरा ये भी माइनस वन, ये भी लेफ्ट वाली भी माइनस वन, और फंक्शन की वैल्यू भी माइनस वन, दैट इज एफ इज कॉन्टीन्यूअस। अब तीनों जगह कॉन्टीन्यूअस हो गया, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं एट इज एफ इज कॉन्टीन्यूअस एवरी वेयर। अब मेरे 26 क्वेश्चन के लिए देखो, उसने 26 से 29 क्वेश्चन के लिए क्या दिया है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। अब आपको अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट्स इन एक्सरसाइज 26 to 29। अब आपको एफ कॉन्टीन्यूअस दिया गया है, अब ये टाइप टू हो गए क्वेश्चन के, अभी तक आपको कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करनी थी, अब आपका आ गया कि कॉन्टीन्यूअस दिया गया, अननोन की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, इसको जितना मर्जी आप डिफिकल्टी लेवल प्रैक्टिस कर लेना, जेई मेन्स में भी आता है ये क्वेश्चन, यही वाला नहीं मतलब इस टाइप का, ठीक है। अब क्या है कि कॉन्टीन्यूटी आपको दी गई है, अब आपको के निकालना है, तो अब आप इसको हम देखते हैं क्या हमारे दिमाग को समझ आ रहा है इससे, कि पाई बाय टू पे उसने कॉन्टीन्यूअस बोला है फंक्शन को, पाई बाय टू पे फंक्शन की वैल्यू थ्री है, और लेफ्ट और राइट में जब पाई बाय टू नहीं है वो, तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो हमें निकालना है। अब हमें पता है कि हमें चुपचाप इसमें क्या करना है, हमें इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय टू नेगेटिव, ठीक है जी, ये हमें किसके बराबर करनी है, ये हमें क्योंकि कॉन्टीन्यूअस दिया हुआ है तो प्लस के बराबर भी होगी, और यही हमारी फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होगी। अब एफ टू तो सीधा सीधा थ्री है, एक चीज़ तो मुझे पता, लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगी, आप पाई बाय टू जब डालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में है, इसमें डालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू नेगेटिव। अब इसमें भी मैं डायरेक्ट तो डाल नहीं सकता क्योंकि कॉस एक्स बीच में आ चुका है, तो मैं इसको भी क्या करूँगा, इसमें भी मुझे लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो और के कॉस एक्स की जगह क्या डल जाएगा जी, पाई बाय टू माइनस एच ओवर पाई माइनस टू पाई बाय टू माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे तो इसी से आंसर आ जाएगा, इसको डालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आपका एफ टू जो है दैट इज़ ये वाली चीज़ जो है फंक्शन, ये थ्री है, तो राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लेफ्ट से ही काम चला लेंगे, और लेफ्ट की हम देखोगे तो कितनी आ रही है वैल्यू, एक मिनट मेरा ज़रा पेन ज़रा वो हो गया, हाँ जी ठीक हो गया। तो इसमें यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, मैं इज इक्वल टू थ्री तो सिंपली पुट कर सकता हूँ क्योंकि लेवल तो बराबर ही है, तो यहाँ पे मेरा क्या बना, एच को ज़ीरो डालो, के अच्छा कॉस पाई बाय टू माइनस एच क्या होता है, इसको मैं सिंपली कुछ भी पुट करने से पहले क्या होगा, सब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो ये साइन एच हो जाएगा, ओके। नीचे क्या होगा, पाई माइनस जब मैं खोलूँगा तो पाई माइनस टू पाई बाय टू कट जाएगा, टू पाई से टू पाई, पाई माइनस पाई ज़ीरो हो जाएगा, और प्लस टू एच हो जाएगा जी, प्लस कितना हो जाएगा, टू एच। अब यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो तो अभी चली रही है, इज इक्वल टू थ्री भी है ये। अब यहाँ से क्या निकल के आया, साइन एच ओवर एच क्या होता है, वन होता है, तो के बाय टू मेरा क्या आ गया जी, थ्री आ गया, और यहाँ से क्या निकल के आ गया, के इज इक्वल टू सिक्स मेरा निकल के आ गया, दैट इज़ माई
आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, 28 इकट्ठे पेश कर लिए, पहले 27 करेंगे। एफ एक्स आपको ये दिया हुआ, कंटिन्यूस दिया हुआ, उसी क्वेश्चन का पार्ट है जो ऊपर 29 तक कंटिन्यूटी दी हुई थी। तो कंटिन्यूटी मुझे दी हुई है एक्स पे, कंटिन्यूस है। अब मुझे देखना है कि क्या बनेगा 27 का। तो अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट बस, और एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव पे, वो मेरी किसके बराबर होगी, एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव के बराबर, और वही मेरी एफ टू के बराबर भी होगी। अब सिंपल इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ आ रही है, लेस देन 2 में मेरा के एक्स स्क्वेयर आ रहा है, तो क्योंकि पॉलिनोमियल है तो मैं सिंपली इसमें 2 डाल सकता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ रही है, मेरी के में 2 का स्क्वेयर आ रही है। इसके बाद 2 प्लस में क्या आएगा जी, 2 प्लस में मेरा 3 आएगा, 2 प्लस में फंक्शन मेरा 3 आ रहा है, 2 लेफ्ट में के एक्स स्क्वेयर है, और एफ टू भी मेरी के एक्स स्क्वेयर ही आ रही है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एफ टू भी मेरी यही आ रही है। तो इन्हीं दो से काम चल गया मेरा, तो के मेरा क्या आ गया, के मेरा इज 3/4 आ गया सीधा सीधा। दिस इज माई आंसर। 28th क्वेश्चन में ये भी देखिए क्या दिया हुआ है, पाई पे दी हुई है। तो पाई के लेफ्ट में ये है फंक्शन ऊपर वाला, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, तो आप इसमें सिंपल लेफ्ट में लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव में आप सिंपली क्या डाल सकते हैं, के में एक्स में पाई डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका पाई चल जाएगा। और अगर आप एच के साथ भी डालना चाहें तो भी सेम ही रिजल्ट आने वाला है, कोई सी प्लस एच वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट जब आप डालेंगे एक्स इज ग्रेटर देन पाई तो आपका कॉस एक्स आएगा, तो राइट में जब आप डालेंगे तो आप सीधा पाई नहीं डाल सकते क्योंकि कॉस है, राइट। तो इसमें मैं क्या डालूंगा, इसमें मैं कॉस लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस पाई प्लस एच, ठीक है जी। अब इससे क्या निकल के आएगा, ये इक्वल टू तो है ही है सारे, और एफ पाई क्या है, एफ पाई भी देख लेते हैं, पाई भी ऊपर ही जा रहा है तो ज़रूरत नहीं है मुझे, के पाई प्लस 1 ही है, एफ ऑफ पाई भी मेरा के पाई प्लस 1 ही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये के पाई प्लस 1 एक उठाऊंगा मैं, इज इक्वल टू इसमें कॉस पाई प्लस एच क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ गया, तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ कॉस एच। तो इसमें कॉस 0 डालूंगा 1 आएगा, तो ये माइनस 1 आ जाएगी, के पाई प्लस 1 इज माइनस 1। यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो के पाई माइनस 1 में मेरा क्या आ जाएगा, के पाई मेरा माइनस 2 आ जाएगा, और के मेरा माइनस 2 अपॉन पाई आ जाएगा, तो ये मेरी के की वैल्यू आ गई। आप इसमें सी, अगर आपको पाई प्लस एच है इधर भी आप पाई माइनस एच बहुत आराम से कर सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 देखो बिल्कुल सेम यही आएगा। तो 29th में देखो क्या बोल रहा है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1, यही कॉन्टीन्यूस दिया हुआ, उसी सीरीज़ का कंटिन्यूटी में क्वेश्चन है कि ऑलरेडी एक्स इज इक्वल टू 5 पे कॉन्टीन्यूस दिया है, अननोन के की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल लेते हैं बस अपना, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव की किसके बराबर होगी, ऑलरेडी लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 पॉजिटिव पे राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, और एफ 5 की भी, तीनों चीज़ें बराबर होंगी। तो 5 नेगेटिव पे देखो के एक्स प्लस 1 मिलेगा मुझे, 5 से लेफ्ट हैंड पे के एक्स प्लस 1 आएगा, तो x की जगह 5 डाल देता हूँ मैं, ठीक है, तो प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 5 प्लस पे ये वाला वैल्यू चलेगा 3x माइनस 5, तो x की जगह 5 डल जाएगा, और f 5 पे मेरा ऊपर वाला ही चलेगा यानी कि k 5 प्लस 1। तो इसे मैं इन दो से ही सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, इनसे निकल जाएगा, तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10, 5k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9 अपॉन 5, ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया। 30th क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सारा पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है,
इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है जी। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, दो वेरिएबल्स मतलब मुझे दो इक्वेशन तो चाहिए कम से कम। तो क्रिटिकल पॉइंट भी उसने दो दे दिए, एक उसने क्रिटिकल पॉइंट देखो 2 दे दिया और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट उसने 10 दे दिया। तो पहले मैं 2 से निकाल लेता हूँ कि लिमिट, क्योंकि कंटिन्यूस तो सारे में है ही है ये, तो x टेंड्स टू 2 नेगेटिव जो है एफ एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, वो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव के बराबर होगा ही होगा, ठीक है। इज इक्वल टू फंक्शन भी ले सकते हैं, बट इस केस में दोनों सेम ही आएगा इसलिए हमारा काम एक से ही चल जाएगा। लेफ्ट हैंड वाला 5 है, देखो 2 से लेफ्ट में फंक्शन इज 5 कॉन्स्टेंट है, राइट में ए एक्स प्लस बी है तो इसमें 2 डल जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 2a प्लस बी, एक इक्वेशन तो मेरी यही बन गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं 10 को क्रिटिकल पॉइंट लेता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, ठीक है जी, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव। आप लोग पूरा एफ एक्स वगैरह ऐसे लिखा करना, ठीक है, मैं जस्ट टाइम बचाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। तो 10 नेगेटिव में मेरी देखो क्या है, 10 नेगेटिव में यहाँ जा रहा है x लेस देन 10 में, तो ए एक्स प्लस बी है तो 10 ए प्लस बी हो जाएगा, राइट हैंड साइड में यहाँ जाएगा तो 21 हो जाएगा। फंक्शन की भी लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो भी 21 ही है, दो से ही काम हो जाएगा, तो ये भी मेरा आ गया, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली इसको नीचे ही ले चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये है मेरा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड, कैंसल आउट, 10 माइनस 2 8a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 2, a मेरा 2 आ गया जी, और b चाहे आप इसी में ही डाल दो, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस बी, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। देखो 31st क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये नॉर्मल फंक्शन तो है नहीं क्योंकि कॉस के साथ एक्स स्क्वायर है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ये वो वाली टाइप है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शंस, कॉम्पोजिट फंक्शंस। तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी थ्योरम है, और थ्योरम क्या, अगर मैं थ्योरम को रिकॉल करूं, थ्योरम इज कि इफ क्या बोलते हैं, जी इज कॉन्टिन्यूअस, राइट, एच इज कॉन्टिन्यूअस, देन माई एच ओ जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ये मेरी थ्योरम है। तो अगर दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उनका कॉम्पोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप जिस मर्जी को जी एच मान सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जैसे मैंने एक ही पैटर्न रखा हो, अगर मैं एच ओ जी कर रहा हूँ तो मुझे पता है एच ऑफ जी एक्स करना पड़ेगा, राइट, और एच ऑफ जी एक्स जब आपको करना पड़ेगा तो जी एक्स को अंदर रखना पड़ेगा, तो अंदर वाले फंक्शन को हम जी एक्स मान लेते हैं इसका मतलब। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो एफ एक्स है वो कॉस एक्स स्क्वायर है, तो अंदर वाले को मैं जी एक्स मान लेता हूँ, तो जी एक्स मैं एक्स स्क्वायर को मान लेता हूँ, और एच एक्स मैं कॉस एक्स को मान लेता हूँ। तो बेसिकली जब मैं एच ओ जी करूँगा, यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं एच के अंदर जी एक्स को डालूँगा, तो एच ओ जी मेरा कॉस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि एच ऑफ जी एक्स करेंगे आप, ठीक है। तो एच देखो कॉस एक्स था, जी एक्स उसके अंदर डाल दिया, एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। अब अगर तो आप डिपेंड करता है ये कितने मार्क का क्वेश्चन है, अगर तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपने ऐसे बनाना है और आपने ये थ्योरम लिख देनी है, ठीक है जी, काम मेरा हो गया। हम सिंपली क्या लिखेंगे कि वी नो एक्स स्क्वायर इज पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, वी नो कॉस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी, तो कॉम्पोजिट फंक्शन एच ओ जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये तो 2 मार्कर तक आपका बड़े आराम से चल जाएगा, लेकिन अगर ये 4 to 6 मार्क में आता है
तो आपको क्या करना है, आपको पहले एक स्क्वायर को कॉन्टिन्यूस बनाना है, वो हमें आता है लिखना, सी लेंगे आप एनी रैंडम नंबर, सी स्क्वायर आ जाएगा, काम हो जाएगा। ऐसे ही आप सी प्लस एच सी माइनस एच से कॉस एक्स को करेंगे प्रूफ पूरा, और फिर आप एंड में इस थ्योरम को दोबारा लिख देंगे कि एच ओ जी एस कंटिन्यूस। कहने का मतलब उसमें आप जी एक्स को भी प्रूफ करेंगे और एच एक्स को भी प्रूफ करेंगे, अगर ये 4 या 6 मार्क्स का आता है। 32nd क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 32nd क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब कॉस एक्स को मॉड में डाल दिया है, फिर से बिल्कुल लास्ट की तरह क्वेश्चन हो गया, कॉम्पोजिट फंक्शन बन गया ये, और कॉम्पोजिट फंक्शन में हम क्या लेंगे, अंदर वाले फंक्शन को जी एक्स को हम कॉस एक्स ले लेते हैं और एच एक्स को हम मॉड ले लेते हैं, मॉड एक्स। अब मेरा एच ओ जी क्या बन जाएगा जी, एच ओ जी ऑफ एक्स मेरा एच ऑफ जी एक्स, जी एक्स मुझे अंदर डालना पड़ जाएगा। तो यानी कि देखो आप क्या बन के आ रहा है, मेरे को एच बाहर रखना है, जी एक्स को अंदर डालना है, तो मॉड बाहर रखना है और एक्स की जगह कॉस एक्स डाल देना, बन गया ठीक। बस अब मुझे सिर्फ क्या लिखना है, अब मुझे पता है प्रॉपर करेंगे हम कि आपका कॉस एक्स जो है वो भी कॉन्टिन्यूस है, आप खुद प्रूफ करेंगे, मॉड एक्स जो है वो भी कॉन्टिन्यूस है, आप खुद प्रूफ करेंगे आप। तो सिमिलरली इसका मतलब एच ओ जी मेरा कॉन्टिन्यूस 100% हो जाएगा, ठीक है, कॉम्पोजिट थ्योरम हमने इसमें लगा दी, कॉम्पोजिट फंक्शन लिख दो यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये इतना आसानी से हमारे ब्रेन को दिख रहा है, बस प्रूविंग आपको प्रॉपर करनी है। 33rd भी देखो बिल्कुल सेम वैसे ही है, अब उसने मॉड अंदर डाल दिया, ठीक है, तो अब मेरा उल्टा ले लूँगा मैं, जी एक्स जो है अंदर वाला है उसको मॉड ले लेते हैं और जो बाहर वाला है एच एक्स उसको साइन एक्स ले लेते हैं, ताकि मेरा एच ओ जी ऑफ एक्स क्या बनेगा जी, एच ऑफ जी एक्स हम अंदर रखेंगे, एच बाहर रहेगा यानी साइन बाहर रहेगा और एक्स की जगह जी डाल देंगे, बिल्कुल ठीक बन रहा है। तो अब मुझे पता है अलग अलग अगर मैं करूँगा तो मॉड एक्स मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, साइन एक्स भी मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो यानी कि कॉम्पोजिट फंक्शन भी मेरा 100% कॉन्टिन्यूस होगा। इतने सिंपल वही वाली थ्योरम लग जाएगी। 34th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, ठीक है जी, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। तो हमें सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसके ढूंढने हैं। तो इसको हम कैसे करना प्रेफर करेंगे, दो हैं देखो, एक मॉड एक्स है एक मॉड एक्स प्लस वन है, तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है एक्स का, अगर मॉड एक्स को हम करते हैं तो क्या होता है मेरा, एक्स ज़ीरो होता है, माइनस एक्स लेस देन ज़ीरो, तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो ज़ीरो आ गया। और अगर मैं एक्स माइनस वन को देख रहा हूँ, एक्स प्लस वन को सॉरी, तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, मेरा क्रिटिकल पॉइंट मेरा यहाँ पे एक्स प्लस वन, वैन एक्स प्लस वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस वन, और माइनस एक्स प्लस वन कब आएगा, जब एक्स इज़ लेस देन माइनस वन हो जाएगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट ज़ीरो आ गया और एक क्रिटिकल पॉइंट मेरा माइनस वन आ गया। तो मेरी जो कहानी बनी तो वो क्या बनी, कि एक तो मैं एक्स को लेस देन ज़ीरो ले सकता हूँ, एक क्रिटिकल पॉइंट ज़ीरो आ गया, एक मैं ग्रेटर देन ज़ीरो ले सकता हूँ। अच्छा, इससे पहले मुझे लेफ्ट में क्या लेना चाहिए, माइनस वन लेना चाहिए, तो मेरे को इसको ठीक करना चाहिए, मैं सबसे पहले माइनस वन से छोटा लूँगा, इक्वल टू माइनस वन लूँगा, ठीक है जी, फिर उसके बाद मैं लेस देन ज़ीरो ले सकता हूँ, लेस देन है ये, फिर मैं इज़ इक्वल टू ज़ीरो ले सकता हूँ, और फिर मैं ग्रेटर देन ज़ीरो ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कहानी बन गई। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, जब मैं फर्स्ट केस लेस देन माइनस वन वाला लूँगा तो मेरी कहानी क्या बनेगी, तो लेस देन जब मैं माइनस वन लूँगा तो ये दोनों मॉड मेरे क्या रहेंगे, ये मेरे दोनों कंटिन्यूस रहेंगे, क्योंकि जब मैं लेस देन ज़ीरो लूँगा तो मेरा बेसिकली बन क्या जाएगा, मेरा यहाँ से माइनस एक्स आ जाएगा लेस देन माइनस वन के लिए, और यहाँ लेस देन के लिए ये आ जाएगा।
तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, मेरा फंक्शन माइनस एक्स प्लस वन टाइप का नहीं बन जाएगा, और अलग अलग भी करूँगा तो भी दोनों कंटिन्यूस है, माइनस एक्स भी कंटिन्यूस है और एक्स प्लस वन भी कंटिन्यूस है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरा f भी कंटिन्यूस है और मेरा g भी कंटिन्यूस है, f ऊपर है तो g लेते हैं, g भी कंटिन्यूस है h भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो क्या होगा, दैट विल ऑल्सो कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसमें मेरा g भी कंटिन्यूस आ रहा है और मेरा h भी कंटिन्यूस आ रहा है। अब माइनस वन के केस में क्या आएगा, माइनस वन के केस में जब मैं माइनस वन से लेफ्ट लूंगा तो इस केस में मेरा क्या बनेगा, माइनस वन से लेफ्ट में हम देख सकते हैं यहाँ से माइनस वन के लेफ्ट में एक तो माइनस एक्स ही आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वन मेरा, हाँ लेस देन जीरो में ही आता है, तो यहाँ भी माइनस एक्स आ जाएगा और दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस वन में एक्स प्लस वन आ जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ये भी सेम चीज़ बन गई, देखो दोनों पॉलिनोमियल्स आ गए कॉन्टिन्यूस है, क्या दिक्कत, लेकिन इसके लेफ्ट और राइट देख लेते हैं, लेफ्ट और राइट में ये थोड़ा सा तंग करेगा हमें, तो मैं इसको सी डाल के भी चेक कर सकता हूँ डायरेक्ट, अदरवाइज आपको ये फंक्शन दोनों बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम सी डाल के चेक करें इसे तो कैसे आएगा हमारा, मैं मॉड में ही चेक कर लेता हूँ इसे, इसको मैं छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट फंक्शन उठा लेता हूँ मैं एक्स माइनस एक्स प्लस वन, तो माइनस वन जब हम डालेंगे, माइनस वन से लेफ्ट में जब हम लेंगे, एच टेंड्स टू ज़ीरो वाला केस जब हम लेंगे, तो यहाँ पे माइनस वन माइनस एच माइनस माइनस वन माइनस एच प्लस वन। ठीक है जी, एच को ज़ीरो डालो आप, क्या चीज़ आएगी मेरी, ये लिमिट है, एच को ज़ीरो डालने में माइनस वन, माइनस वन का जब मैं मॉड करूँगा तो वन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मॉड थोड़े बड़े कर देता हूँ, मिक्स हो रहे हैं, तो यहाँ वन आ गया और यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, एच ज़ीरो तो वन ही रह गया। ठीक है जी, जब मैं एच टेंड्स टू ज़ीरो में ही प्लस वाले करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, माइनस वन प्लस एच बड़ा मॉड माइनस माइनस वन प्लस एच प्लस वन, तो इसमें भी कैंसिल आउट हो रहा है, ज़ीरो इधर से भी माइनस वन आ रहा, तो वन ही आ रहा है। ठीक है जी, और माइनस वन पे क्या आएगी मेरी, एफ ऑफ माइनस वन पे, उस पर मेरा कितना है, मॉड एक्स यानी माइनस वन, माइनस एक्स प्लस वन है तो माइनस वन प्लस, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी निकल के माइनस वन ही आ रहा, तो तीनों मेरे देखो सॉरी प्लस वन आ रहा है, ये भी तीनों मेरे प्लस वन आ रहे हैं, तो दैट मीन्स एफ इज़ कॉन्टिन्यूस, एफ मेरा क्या हो गया, एफ मेरा कॉन्टिन्यूस हो गया। अब इसके बाद लेस देन ज़ीरो पे आप करेंगे तो सेम वही चीज़ आएगी जो हमने यहाँ करी है। ठीक है जी, पॉलिनोमियल लेस देन ज़ीरो में आपका बन जाएगा कॉन्टिन्यूस आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे थोड़ा सा पेच चढ़ सकता है, तो यहाँ पे हम दोनों वही ट्राई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स प्लस वन है, तो एक बार ज़ीरो माइनस एच ट्राई कर लो, तो ये क्या चीज़ निकल के आएगी, ये लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वन आ जाएगा, ये माइनस बार, तो माइनस वन आगे निकल के, और राइट हैंड साइड जब करेंगे ज़ीरो प्लस एच माइनस ज़ीरो प्लस एच प्लस वन, तो ये ज़ीरो ज़ीरो, ये भी माइनस वन आ गई, और एफ ऑफ ज़ीरो क्या है जी, ज़ीरो डाल लेते हैं, ज़ीरो मॉड माइनस ज़ीरो प्लस वन, ये भी माइनस वन आ गई, इसका क्या मतलब हुआ कि एफ कॉन्टिन्यूस हो गया माइनस वन पे भी। ठीक है जी, ग्रेटर देन ज़ीरो में तो वैसे ही कॉन्टिन्यूस है क्योंकि हमें वैसे ही पॉलिनोमियल मिल रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो में, कोई दिक्कत ही नहीं हमें, तो ये सारे केसेस में मेरा कॉन्टिन्यूस ही आ रहा है। ठीक है, दूसरा मेरी इंट्यूशन, इसको एक सेकेंड में अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो मैं कैसे कह देता, ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं सिंपल कहता, देखो मॉड एक्स भी कंटिन्यूस है, मॉड एक्स प्लस वन भी कंटिन्यूस है, तो मेरा g माइनस एच तो 100% कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये तो एक मिनट में मुझे दिख रहा था, तो इसमें कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, लेकिन उसको प्रॉपर करने के लिए आपको ऐसे ये करना पड़ा है, तो सिक्स मार्कर क्वेश्चन ही बनता है डायरेक्ट। ठीक है जी,
ग्रेटर देन जीरो में तो सिंपल है, ग्रेटर देन जीरो में भी आप इसका बना सकते हो, यहाँ से ये एक्स आ जाएगा उठ के और यहाँ से एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल एक्स माइनस एक्स प्लस वन बन गया, तो वन ही आ गया कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस है ही है। तो ऐसे आपको पूरे केसेस लिखने हैं इस केस में, और ये मेरा कंटिन्यूस एवरीवेयर है।